हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है आदिपुरुष। आदिपुरुष फिल्म की रिगार्डिंग मैं आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाला हूँ, साथ ही मैं फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूँगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। आदिपुरुष फलान आदमी मतलब एक अपकमिंग भारतीय हिंदू पौराणिक फिल्म है जो महाकाव्य रामायण पर आधारित है। यह फिल्म ओम राउत द्वारा निर्देशित और टी सीरीज फिल्म्स और रेस्ट्रियो फाइल्स द्वारा निर्मित है। हिंदी और तेलुगु भाषाओं में एक साथ फिल्माई गई। फिल्म में प्रभास राघव, कृति सेनन, जानकी और सैफ अली खान लंकेश के रूप में हैं। 500 करोड़ के बजट पर बनी आदिपुरुष अब तक की सबसे महंगी भारतीय फिल्म में से एक है। प्रिंसिपल फोटोग्राफी फरवरी 2021 में शुरू हुई और नवंबर 2021 में मुंबई में प्राथमिक शूटिंग के साथ समाप्त हुई। फिल्म को 12 जनवरी 2023 को मानक पुरुषों प्रारूप 3D और IMAX 3D में थिएटर्स के रूप में रिलीज किया जाना है। तो बात करते हैं मूवी के प्रीमियर के बारे में। तो 7000 साल पहले अयोध्या के राजा राघव अपनी पत्नी जानकी को बचाने के उद्देश्य हनुमान की सेना के की मदद से लंका द्वीप की यात्रा करते हैं, जिसे लंकेश द्वारा अपहरण कर लिया गया है। तो बात करें मूवी की कास्ट के बारे में। तो राघव के रूप में हैं प्रभास, जानकी के रूप में कृति सेनन एंड लंकेश के रूप में हैं सैफ अली खान एंड लक्ष्मण के रूप में सनी सिंह और देवदत्त नाग हनुमान के रूप में और वत्सल सेठ है और सोनल चौहान है, तृप्ति तुराडमल है। तो बात करें मूवी की प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में। तो आदिपुरुष हिंदू महाकाव्य रामायण का एक रूपांतरण 18 अगस्त 2020 को एक प्रचार पोस्टर के माध्यम से घोषणा किया गया था। प्रभास ने ओम राउत के निर्देशन में भगवान राम की भूमिका निभाई है, जिन्होंने पहले पीरियड एक्शन फिल्म तानाजी 2020 का निर्देशन किया था। ओम राउत 1992 की जापानी फिल्म रामायण द लीजेंड ऑफ प्रिंस राम से प्रभावित थे और उन्होंने आधुनिक तकनीक का उपयोग करके महाकाव्य रामायण को एक फिल्म में बदलने के लिए प्रेरित किया गया था। भारत में कोविड-19 लॉकडाउन के बीच राउत ने पटकथा लिखी। प्रभास को तुरंत ही ये प्रोजेक्ट पसंद आ गया और प्रोडक्शन कंपनी ने टी सीरीज फिल्म्स इस प्रोजेक्ट के लिए तैयार हो गई थी। आदिपुरुष अब तक की सबसे महंगी भारतीय फिल्म में से एक है, जिसका बजट 500 करोड़ है। दृश्य प्रभाव पर 200 VFX एंड CGI पर 250 करोड़ खर्च किए जाने का अनुमान है। इसे हिंदी और तेलुगु भाषाओं में एक साथ शूट किया गया है और इसे 3D में फिल्माया गया है। तो बात करें मूवी के कास्टिंग के बारे में। तो सितंबर 2020 में निर्माताओं ने खुलासा किया कि प्रभास भगवान राम का चित्रण कर रहे हैं, जिनके चरित्र का नाम बाद में राघव के रूप में सामने आया था। सैफ अली खान जो पहले से ही राउत की तानाजी में एक प्रतिपक्षी के रूप में काम कर चुके हैं, उनको लंकेश नाम के साथ रावण की भूमिका के लिए साइन किया गया है। अनुष्का शेट्टी, अनुष्का शर्मा एंड कियारा हाडवानी और कीर्ति सुरेश को सीता की भूमिका के लिए संपर्क जाने की अफवाह के बाद नवंबर 2020 में यह बताया गया कि कृति सेनन को भूमिका निभाने के लिए कास्ट किया गया है। 4 महीने बाद मार्च 2021 में निर्माताओं ने फिल्म में उनके शामिल होने की पुष्टि की। फरवरी 2021 में सेट पर शामिल हुए और सही
सनी सिंह भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण की भूमिका निभा रहे हैं। तो बात करें मूवी की फिल्मिंग के बारे में, तो आदिपुरुष के लिए मोशन कैप्शन शूट 19 जनवरी 2021 को शुरू हुआ। मुहूर्त शॉट और औपचारिक लॉन्च 2 फरवरी 2021 को मुंबई भारत में किया गया था। जैसा कि निर्माताओं ने बताया, फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी उस दिन शुरू हुई थी। उसी दिन मुंबई में फिल्मांकन स्थल पर एक भीषण आग दुर्घटना हुई थी। आग लगने की वजह से एक ही तरह से डुप्लीकेट सेट बनाए गए थे। अक्टूबर 2021 में सैफ अली खान और कृति सेनन ने शूटिंग पूरी की थी। नवंबर 2021 में प्रभास ने भी शूटिंग पूरी की थी। 10 नवंबर 2021 को फिल्म की पूरी शूटिंग पूरी हो गई थी। तो बात करें मूवी के थिएट्रिकल रिलीज के बारे में, तो आदिपुरुष 12 जनवरी 2023 को तमिल मलयालम कन्नड़ में डब की गई संस्करण के साथ हिंदी और तेलुगु में थिएटर्स के रूप में रिलीज होने वाली है। यह पहले 11 अगस्त 2022 को रिलीज़ होने वाली थी, लेकिन बाद में लाल सिंह चड्ढा की रिलीज के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। फिल्म का टीजर 2 अक्टूबर 2022 को गांधी जयंती के अवसर पर जारी किया गया था। तो बात करते हैं मूवी की मार्केटिंग के बारे में, तो हिंदी वितरण के बारे में, तो हिंदी संस्करण के वितरण अधिकार ए मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ए फिल्म्स द्वारा खरीदे गए थे। फिल्म का तेलुगु संस्करण यूवी क्रिएशंस द्वारा वितरित किया गया है। आदिपुरुष पहला आदमी मतलब एक अपकमिंग भारतीय हिंदू पौराणिक फिल्म है जो महाकाव्य रामायण पर आधारित है। यह फिल्म ओम राउत द्वारा निर्देशित और टी सीरीज फिल्म्स और रेशिया फाइल्स द्वारा निर्मित है। हिंदी और तेलुगु भाषाओं में एक साथ फिल्माई गई। फिल्म में प्रभास राघव, कृति सेनन, जानकी और सैफ अली खान लंकेश के रूप में हैं। 500 करोड़ के बजट पर बनी आदिपुरुष अब तक की सबसे महंगी भारतीय फिल्म में से एक है। प्रिंसिपल फोटोग्राफी फरवरी 2021 में शुरू हुई और नवंबर 2021 में मुंबई में प्राथमिक शूटिंग के साथ समाप्त हुई। फिल्म को 12 जनवरी 2023 को मानक पुरुषों प्रारूप 3D और IMAX 3D में थिएटर्स के रूप में रिलीज किया जाना है। तो बात करते हैं मूवी के प्रीमियर के बारे में, तो 7000 साल पहले अयोध्या के राजा राघव अपनी पत्नी जानकी को बचाने के उद्देश्य हनुमान की सेना के की मदद से लंका द्वीप की यात्रा करते हैं, जिसे लंकेश द्वारा अपहरण कर लिया गया है। तो बात करें मूवी की कास्ट के बारे में, तो राघव के रूप में है प्रभास, जानकी के रूप में कृति सेनन एंड लंकेश के रूप में सैफ अली खान एंड लक्ष्मण के रूप में सनी सिंह और देवदत्त नाग हनुमान के रूप में और वत्सल सेठ है और सोनल चौहान है, तृप्ति तुराडमल है। तो बात करें मूवी की प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में, तो आदिपुरुष हिंदू महाकाव्य रामायण का एक रूपांतरण 18 अगस्त 2020 को एक प्रचार पोस्टर के माध्यम से घोषणा किया गया था। प्रभास ने ओम राउत के निर्देशन में भगवान राम की भूमिका निभाई है, जिन्होंने पहले पीरियड एक्शन फिल्म तानाजी 2020 का निर्देशन किया था। ओम राउत 1992 की जापानी फिल्म रामायण द लीजेंड ऑफ प्रिंस राम से प्रभावित थे और उन्होंने आधुनिक तकनीक का उपयोग करके महाकाव्य रामायण को एक फिल्म में बदलने के लिए प्रेरित किया गया था। भारत में कोविड-19 लॉकडाउन के बीच राउत ने पटकथा लिखी। प्रभास को तुरंत ही ये प्रोजेक्ट पसंद आ गया और
प्रोडक्शन कंपनी ने टी सीरीज फिल्म्स इस प्रोजेक्ट के लिए तैयार हो गई थी। आदिपुरुष अब तक की सबसे महंगी भारतीय फिल्मों में से एक है, जिसका बजट 500 करोड़ है। दृश्य प्रभाव पर 200 मतलब VFX एंड CGI पर 250 करोड़ खर्च किए जाने का अनुमान है। इसे हिंदी और तेलुगु भाषाओं में एक साथ शूट किया गया है और इसे 3D में फिल्माया गया है। तो बात करें मूवी के कास्टिंग के बारे में, तो सितंबर 2020 में निर्माताओं ने खुलासा किया कि प्रभास भगवान राम का चित्रण कर रहे हैं, जिनके चरित्र का नाम बाद में राघव के रूप में सामने आया था। सैफ अली खान जो पहले से ही राउत की तानाजी में एक प्रतिपक्षी के रूप में काम कर चुके हैं, उनको लंकेश नाम के साथ रावण की भूमिका के लिए साइन किया गया है। अनुष्का शेट्टी, अनुष्का शर्मा एंड कियारा आडवाणी और कीर्ति सर सुरेश को सीता की भूमिका के लिए संपर्क जाने की अफवाह के बाद नवंबर 2020 में यह बताया गया कि कृति सेनन को भूमिका निभाने के लिए कास्ट किया गया है। 4 महीने बाद मार्च 2021 में निर्माताओं ने फिल्म में उनके शामिल होने की पुष्टि की। फरवरी 2021 को 21 में सेट पर शामिल हुए और सही सनी सिंह भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण की भूमिका निभा रहे हैं। तो बात करें मूवी की फिल्मिंग के बारे में, तो आदिपुरुष के लिए मोशन कैप्शन शूट 19 जनवरी 2021 को शुरू हुआ। मुहूर्त शॉट और औपचारिक लॉन्च 2 फरवरी 2021 को मुंबई भारत में किया गया था। जैसा कि निर्माताओं ने बताया, फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी उस दिन शुरू हुई थी। उसी दिन मुंबई में फिल्मांकन स्थल पर एक भीषण आग दुर्घटना हुई थी। आग लगने की वजह से एक ही तरह से डुप्लीकेट सेट बनाए गए थे। अक्टूबर 2021 में सैफ अली खान और कृति सेनन ने शूटिंग पूरी की थी। नवंबर 2021 में प्रभास ने भी शूटिंग पूरी की थी। 10 नवंबर 2021 को फिल्म की पूरी शूटिंग पूरी हो गई थी। तो बात करें मूवी के थिएट्रिकल रिलीज के बारे में, तो आदिपुरुष 12 जनवरी 2023 को तमिल मलयालम कन्नड़ में डब की गई संस्करण के साथ हिंदी और तेलुगु में थिएटर्स के रूप में रिलीज होने वाली है। यह पहले 11 अगस्त 2022 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन बाद में लाल सिंह चड्ढा की रिलीज के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। फिल्म का टीजर 2 अक्टूबर 2022 को गांधी जयंती के अवसर पर जारी किया गया था। तो बात करते हैं मूवी की मार्केटिंग के बारे में, तो हिंदी वितरण के बारे में, तो हिंदी संस्करण के वितरण अधिकार ए मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ए फिल्म्स द्वारा खरीदे गए थे। फिल्म का तेलुगु संस्करण यूवी क्रिएशंस द्वारा वितरित किया गया है। आदिपुरुष पहला आदमी मतलब एक अपकमिंग भारतीय हिंदू पौराणिक फिल्म है, जो महाकाव्य रामायण पर आधारित है। यह फिल्म ओम राउत द्वारा निर्देशित और टी सीरीज फिल्म्स और रिश्योफाइल्स द्वारा निर्मित है। हिंदी और तेलुगु भाषाओं में एक साथ फिल्माई गई। फिल्म में प्रभास राघव, कृति सेनन जानकी और सैफ अली खान लंकेश के रूप में हैं। 500 करोड़ के बजट पर बनी आदिपुरुष अब तक की सबसे महंगी भारतीय फिल्म में से एक है। प्रिंसिपल फोटोग्राफी फरवरी 2021 में शुरू हुई और नवंबर 2021 में मुंबई में प्राथमिक शूटिंग के साथ समाप्त हुई। फिल्म को 12 जनवरी 2023 को मानक पुरुषों प्रारूप 3D और IMAX 3D में थिएटर्स के रूप में रिलीज किया जाना है। तो बात करते हैं मूवी के प्रीमियर के बारे में, तो 7000 साल पहले अयोध्या के राजा राघव अपनी पत्नी जानकी को बचाने के उद्देश्य हनु
हनुमान की सेना के की मदद ले मदद से लंका द्वीप की यात्रा करते हैं, जिसे लंकेश द्वारा अपहरण कर लिया गया है। तो बात करें मूवी की कास्ट के बारे में, तो राघव के रूप में हैं प्रभास, जानकी के रूप में कृति सेनन, एंड लंकेश के रूप में हैं सैफ अली खान, एंड लक्ष्मण के रूप में सनी सिंह, और देवदत्त नाग हनुमान के रूप में, और वत्सल सेठ है, और सोनल चौहान है, तृप्ति तुरामल है। तो बात करें मूवी की प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में, तो आदिपुरुष हिंदू महाकाव्य रामायण का एक रूपांतरण 18 अगस्त 2020 को एक प्रचार पोस्टर के माध्यम से घोषणा किया गया था। प्रभास ने ओम राउत के निर्देशन में भगवान राम की भूमिका निभाई है, जिन्होंने पहले पीरियड एक्शन फिल्म तानाजी 2020 की 20 का निर्देशन किया था। ओम राउत 1992 की जापानी फिल्म रामायण द लीजेंड ऑफ प्रिंस राम से प्रभावित थे, और उन्होंने आधुनिक तकनीक का उपयोग करके महाकाव्य रामायण को एक फिल्म में बदलने के लिए प्रेरित किया गया था। भारत में कोविड-19 लॉकडाउन के बीच राउत ने पटकथा लिखी, प्रभास को तुरंत ही ये प्रोजेक्ट पसंद आ गया, और प्रोडक्शन कंपनी ने टी सीरीज फिल्म्स इस प्रोजेक्ट के लिए तैयार हो गई थी। आदिपुरुष अब तक की सबसे महंगी भारतीय फिल्मों में से एक है, जिसका बजट 500 करोड़ है। दृश्य प्रभाव पर 200 मतलब VFX एंड CGI पर 250 करोड़ खर्च किए जाने का अनुमान है। इसे हिंदी और तेलुगु भाषाओं में एक साथ शूट किया गया है, और इसे 3D में फिल्माया गया है। तो बात करें मूवी के कास्टिंग के बारे में, तो सितंबर 2020 में निर्माताओं ने खुलासा किया कि प्रभास भगवान राम का चित्रण कर रहे हैं, जिनके चरित्र का नाम बाद में राघव के रूप में सामने आया था। सैफ अली खान जो पहले से ही राउत की तानाजी में एक प्रतिपक्षी के रूप में काम कर चुके हैं, उनको लंकेश नाम के साथ रावण की भूमिका के लिए साइन किया गया है। अनुष्का शेट्टी, अनुष्का शर्मा एंड कियारा आडवाणी और कीर्ति सर सुरेश को सीता की भूमिका के लिए संपर्क जाने की अफवाह के बाद नवंबर 2020 में यह बताया गया कि कृति सेनन को भूमिका निभाने के लिए कास्ट किया गया है। 4 महीने बाद मार्च 2021 में निर्माताओं ने फिल्म में उनके शामिल होने की पुष्टि की। फरवरी 2021 को 21 में सेट पर शामिल हुए, और सनी सिंह भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण की भूमिका निभा रहे हैं। तो बात करें मूवी की फिल्मिंग के बारे में, तो आदिपुरुष के लिए मोशन कैप्शन शूट 19 जनवरी 2021 को शुरू हुआ। मुहूर्त शॉट और औपचारिक लॉन्च 2 फरवरी 2021 को मुंबई भारत में किया गया था। जैसा कि निर्माताओं ने बताया, फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी उस दिन शुरू हुई थी। उसी दिन मुंबई में फिल्मांकन स्थल पर एक भीषण आग दुर्घटना हुई थी। आग लगने की वजह से एक ही तरह से डुप्लीकेट सेट बनाए गए थे। अक्टूबर 2021 में सैफ अली खान और कृति सेनन ने शूटिंग पूरी की थी। नवंबर 2021 में प्रभास ने भी शूटिंग पूरी की थी। 10 नवंबर 2021 को फिल्म की पूरी शूटिंग पूरी हो गई थी। तो बात करें मूवी के थिएट्रिकल रिलीज के बारे में, तो आदिपुरुष 12 जनवरी 2023 को तमिल मलयालम कन्नड़ में डब की गई संस्करण के साथ हिंदी और तेलुगु में थिएटर्स के रूप में रिलीज होने वाली है। यह पहले 11 अगस्त 2022 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन बाद में लाल सिंह चड्ढा की रिलीज के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। फिल्म का टीजर 2 अक्टूबर 2022 को गांधी जयंती के अवसर पर जारी किया गया था। तो बात करते हैं मूवी की मार्केटिंग के बारे में, तो हिंदी वितरण के बारे में, तो हिंदी संस्करण के वितरण अधिकार ए मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ए
फिल्म्स द्वारा खरीदी गई थी। फिल्म का तेलुगु संस्करण यूवी क्रिएशंस द्वारा वितरित किया गया था। आदिपुरुष पहला आदमी मतलब एक अपकमिंग भारतीय हिंदू पौराणिक फिल्म है जो महाकाव्य रामायण पर आधारित है। यह फिल्म ओम राउत द्वारा निर्देशित और टी सीरीज फिल्म्स और रेस्ट्रियोफाइल्स द्वारा निर्मित है। हिंदी और तेलुगु भाषाओं में एक साथ फिल्माई गई। फिल्म में प्रभास राघव कृति सेनन जानकी और सैफ अली खान लंकेश के रूप में हैं। 500 करोड़ के बजट पर बनी आदिपुरुष अब तक की सबसे महंगी भारतीय फिल्म में से एक है। प्रिंसिपल फोटोग्राफी फरवरी 2021 में शुरू हुई और नवंबर 2021 में मुंबई में प्राथमिक शूटिंग के साथ समाप्त हुई। फिल्म को 12 जनवरी 2023 को मानक पुरुषों प्रारूप 3D और IMAX 3D में थिएटर्स के रूप में रिलीज किया जाना है। तो बात करते हैं मूवी के प्रीमियर के बारे में। तो 7000 साल पहले अयोध्या के राजा राघव अपनी पत्नी जानकी को बचाने के उद्देश्य हनुमान की सेना के की मदद से लंका द्वीप की यात्रा करते हैं, जिसे लंकेश द्वारा अपहरण कर लिया गया है। तो बात करें मूवी की कास्ट के बारे में। तो राघव के रूप में हैं प्रभास, जानकी के रूप में कृति सेनन एंड लंकेश के रूप में सैफ अली खान एंड लक्ष्मण के रूप में सनी सिंह और देवदत्त नाग हनुमान के रूप में और वत्सल सेठ है और सोनल चौहान है, तृप्ति तुरामल है। तो बात करें मूवी की प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में। तो आदिपुरुष हिंदू महाकाव्य रामायण का एक रूपांतरण 18 अगस्त 2020 को एक प्रचार पोस्टर के माध्यम से घोषणा किया गया था। प्रभास ने ओम राउत के निर्देशन में भगवान राम की भूमिका निभाई है, जिन्होंने पहले पीरियड एक्शन फिल्म तन्नाजी 2020 की 20 का निर्देशन किया था। ओम राउत 1992 की जापानी फिल्म रामायण द लीजेंड ऑफ प्रिंस राम से प्रभावित थे और उन्हें आधुनिक तकनीक का उपयोग करके महाकाव्य रामायण को एक फिल्म में बदलने के लिए प्रेरित किया गया था। भारत में कोविड-19 लॉकडाउन के बीच राउत ने पटकथा लिखी। प्रभास को तुरंत ही ये प्रोजेक्ट पसंद आ गया और प्रोडक्शन कंपनी ने टी सीरीज फिल्म्स इस प्रोजेक्ट के लिए तैयार हो गई थी। आदिपुरुष अब तक की सबसे महंगी भारतीय फिल्म में से एक है, जिसका बजट 500 करोड़ है। दृश्य प्रभाव पर 200 मतलब VFX एंड CGI पर 250 करोड़ खर्च किए जाने का अनुमान है। इसे हिंदी और तेलुगु भाषाओं में एक साथ शूट किया गया है और इसे 3D में फिल्माया गया है। तो बात करें मूवी के कास्टिंग के बारे में। तो सितंबर 2020 में निर्माताओं ने खुलासा किया कि प्रभास भगवान राम का चित्रण कर रहे हैं, जिनके चरित्र का नाम बाद में राघव के रूप में सामने आया था। सैफ अली खान जो पहले से ही राउत की तानाजी में एक प्रतिपक्षी के रूप में काम कर चुके हैं, उनको लंकेश नाम के साथ रावण की भूमिका के लिए साइन किया गया है। अनुष्का शेट्टी, अनुष्का शर्मा एंड कियारा हाडवाणी और कीर्ति सुरेश को सीता की भूमिका के लिए संपर्क जाने की अफवाह के बाद नवंबर 2020 में यह बताया गया कि कृति सेनन को भूमिका निभाने के लिए कास्ट किया गया है। 4 महीने बाद मार्च 2021 में निर्माताओं ने फिल्म में उनके शामिल होने की पुष्टि की। फरवरी 2021 को 21 में सेट पर शामिल हुए और सनी सिंह भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण की भूमिका निभा रहे हैं। तो बात करें मूवी की फिल्मिंग के बारे में। तो
आदि पुरुष के लिए मोशन कैप्शन शूट 19 जनवरी 2021 को शुरू हुआ। मुहूर्त शॉट और औपचारिक लॉन्च 2 फरवरी 2021 को मुंबई भारत में किया गया था। जैसा कि निर्माताओं ने बताया, फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी उस दिन शुरू हुई थी। उसी दिन मुंबई में फिल्मांकन स्थल पर एक भीषण आग दुर्घटना हुई थी। आग लगने की वजह से एक ही तरह से डुप्लीकेट सेट बनाए गए थे। अक्टूबर 2021 में सैफ अली खान और कृति सेनन ने शूटिंग पूरी की थी। नवंबर 2021 में प्रभास ने भी शूटिंग पूरी की थी। 10 नवंबर 2021 को फिल्म की पूरी शूटिंग पूरी हो गई थी। तो बात करें मूवी के थिएट्रिकल रिलीज के बारे में, तो आदि पुरुष 12 जनवरी 2023 को तमिल, मलयालम, कन्नड़ में डब की गई संस्करण के साथ हिंदी और तेलुगु में थिएटर्स के रूप में रिलीज होने वाली है। यह पहले 11 अगस्त 2022 को रिलीज़ होने वाली थी, लेकिन बाद में लाल सिंह चड्ढा की रिलीज के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। फिल्म का टीजर 2 अक्टूबर 2022 को गांधी जयंती के अवसर पर जारी किया गया था। तो बात करते हैं मूवी की मार्केटिंग के बारे में, तो हिंदी वितरण के बारे में, तो हिंदी संस्करण के वितरण अधिकार ए मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ए फिल्म्स द्वारा खरीदे गए थे। फिल्म का तेलुगु संस्करण यूवी क्रिएशंस द्वारा वितरित किया गया है। आदि पुरुष पहला आदमी मतलब एक अपकमिंग भारतीय हिंदू पौराणिक फिल्म है जो महाकाव्य रामायण पर आधारित है। यह फिल्म ओम राउत द्वारा निर्देशित और टी सीरीज फिल्म्स और रेस्ट्रिया फाइल्स द्वारा निर्मित है। हिंदी और तेलुगु भाषाओं में एक साथ फिल्माई गई। फिल्म में प्रभास, राघव, कृति सेनन, जानकी और सैफ अली खान लंकेश के रूप में हैं। 500 करोड़ के बजट पर बनी आदि पुरुष अब तक की सबसे महंगी भारतीय फिल्म में से एक है। प्रिंसिपल फोटोग्राफी फरवरी 2021 में शुरू हुई और नवंबर 2021 में मुंबई में प्राथमिक शूटिंग के साथ समाप्त हुई। फिल्म को 12 जनवरी 2023 को मानक पुरुषों प्रारूप 3D और IMAX 3D में थिएटर्स के रूप में रिलीज किया जाना है। तो बात करते हैं मूवी के प्रीमियर के बारे में, तो 7000 साल पहले अयोध्या के राजा राघव अपनी पत्नी जानकी को बचाने के उद्देश्य हनुमान की सेना के की मदद से लंका द्वीप की यात्रा करते हैं, जिसे लंकेश द्वारा अपहरण कर लिया गया है। तो बात करें मूवी की कास्ट के बारे में, तो राघव के रूप में है प्रभास, जानकी के रूप में कृति सेनन एंड लंकेश के रूप में सैफ अली खान एंड लक्ष्मण के रूप में सनी सिंह और देवदत्त नाग हनुमान के रूप में और वत्सल सेठ है और सोनल चौहान है, तृप्ति तुराडमल है। तो बात करें मूवी की प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में, तो आदि पुरुष हिंदू महाकाव्य रामायण का एक रूपांतरण 18 अगस्त 2020 को एक प्रचार पोस्टर के माध्यम से घोषणा किया गया था। प्रभास ने ओम राउत के निर्देशन में भगवान राम की भूमिका निभाई है, जिन्होंने पहले पीरियड एक्शन फिल्म तानाजी 2020 का निर्देशन किया था। ओम राउत 1992 की जापानी फिल्म रामायण द लीजेंड ऑफ प्रिंस राम से प्रभावित थे और उन्होंने आधुनिक तकनीक का उपयोग करके महाकाव्य रामायण को एक फिल्म में बदलने के लिए प्रेरित किया गया था। भारत में कोविड-19 लॉकडाउन के बीच राउत ने पटकथा लिखी। प्रभास को तुरंत ही ये प्रोजेक्ट पसंद आ गया और प्रोडक्शन कंपनी ने टी सीरीज फिल्म्स इस प्रोजेक्ट के लिए तैयार हो
गई थी। आदिपुरुष अब तक की सबसे महंगी भारतीय फिल्मों में से एक है जिसका बजट 500 करोड़ है। दृश्य प्रभाव पर 200 मतलब VFX एंड CGI पर 250 करोड़ खर्च किए जाने का अनुमान है। इसे हिंदी और तेलुगु भाषाओं में एक साथ शूट किया गया है और इसे 3D में फिल्माया गया है। तो बात करें मूवी के कास्टिंग के बारे में, तो सितंबर 2020 में निर्माताओं ने खुलासा किया कि प्रभास भगवान राम का चित्रण कर रहे हैं, जिनके चरित्र का नाम बाद में राघव के रूप में सामने आया था। सैफ अली खान जो पहले से ही राउत की तानाजी में एक प्रतिपक्षी के रूप में काम कर चुके हैं, उनको लंकेश नाम के साथ रावण की भूमिका के लिए साइन किया गया है। अनुष्का शेट्टी, अनुष्का शर्मा एंड कियारा आडवाणी और कीर्ति सर सुरेश को सीता की भूमिका के लिए संपर्क जाने की अफवाह के बाद नवंबर 2020 में यह बताया गया कि कृति सेनन को भूमिका निभाने के लिए कास्ट किया गया है। 4 महीने बाद मार्च 2021 में निर्माताओं ने फिल्म में उनके शामिल होने की पुष्टि की। फरवरी 2021 को 21 में सेट पर शामिल हुए और सही सनी सिंह भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण की भूमिका निभा रहे हैं। तो बात करें मूवी की फिल्मिंग के बारे में, तो आदिपुरुष के लिए मोशन कैप्शन शूट 19 जनवरी 2021 को शुरू हुआ। मुहूर्त शॉट और औपचारिक लॉन्च 2 फरवरी 2021 को मुंबई भारत में किया गया था। जैसा कि निर्माताओं ने बताया, फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी उस दिन शुरू हुई थी। उसी दिन मुंबई में फिल्मांकन स्थल पर एक भीषण आग दुर्घटना हुई थी। आग लगने की वजह से एक ही तरह से डुप्लीकेट सेट बनाए गए थे। अक्टूबर 2021 में सैफ अली खान और कृति सेनन ने शूटिंग पूरी की थी। नवंबर 2021 में प्रभास ने भी शूटिंग पूरी की थी। 10 नवंबर 2021 को फिल्म की पूरी शूटिंग पूरी हो गई थी। तो बात करें मूवी के थिएट्रिकल रिलीज के बारे में, तो आदिपुरुष 12 जनवरी 2023 को तमिल मलयालम कन्नड़ में डब की गई संस्करण के साथ हिंदी और तेलुगु में थिएटर्स के रूप में रिलीज होने वाली है। यह पहले 11 अगस्त 2022 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन बाद में लाल सिंह चड्ढा की रिलीज के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। फिल्म का टीजर 2 अक्टूबर 2022 को गांधी जयंती के अवसर पर जारी किया गया था। तो बात करते हैं मूवी की मार्केटिंग के बारे में, तो हिंदी वितरण के बारे में, तो हिंदी संस्करण के वितरण अधिकार ए मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ए फिल्म्स द्वारा खरीदे गए थे। फिल्म का तेलुगु संस्करण यूवी क्रिएशंस द्वारा वितरित किया गया है। आदिपुरुष पहला आदमी मतलब एक अपकमिंग भारतीय हिंदू पौराणिक फिल्म है जो महाकाव्य रामायण पर आधारित है। यह फिल्म ओम राउत द्वारा निर्देशित और टी सीरीज फिल्म्स और रेस्ट्रिया फाइल्स द्वारा निर्मित है। हिंदी और तेलुगु भाषाओं में एक साथ फिल्माई गई। फिल्म में प्रभास राघव, कृति सेनन जानकी और सैफ अली खान लंकेश के रूप में हैं। 500 करोड़ के बजट पर बनी आदिपुरुष अब तक की सबसे महंगी भारतीय फिल्म में से एक है। प्रिंसिपल फोटोग्राफी फरवरी 2021 में शुरू हुई और नवंबर 2021 में मुंबई में प्राथमिक शूटिंग के साथ समाप्त हुई। फिल्म को 12 जनवरी 2023 को मानक पुरुषों प्रारूप 3D और IMAX 3D में थिएटर्स के रूप में रिलीज किया जाना है। तो बात करते हैं मूवी के प्रीमियर के बारे में, तो 7000 साल पहले अयोध्या के राजा राघव अपनी पत्नी जानकी को बचाने के उद्देश्य हनुमान की सेना के की मदद से लंका द्वीप की
यात्रा करते हैं, जिसे लंकेश द्वारा अपहरण कर लिया गया है। तो बात करें मूवी की कास्ट के बारे में, तो राघव के रूप में हैं प्रभास, जानकी के रूप में कृति सेनन, एंड लंकेश के रूप में हैं सैफ अली खान, एंड लक्ष्मण के रूप में सनी सिंह, और देवदत्त नाग हनुमान के रूप में, और वत्सल सेठ है, और सोनल चौहान है, तृप्ति तुरामल है। तो बात करें मूवी की प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में, तो आदिपुरुष हिंदू महाकाव्य रामायण का एक रूपांतरण 18 अगस्त 2020 को एक प्रचार पोस्टर के माध्यम से घोषणा किया गया था। प्रभास ने ओम राउत के निर्देशन में भगवान राम की भूमिका निभाई है, जिन्होंने पहले पीरियड एक्शन फिल्म तानाजी 2020 की 20 का निर्देशन किया था। ओम राउत 1992 की जापानी फिल्म रामायण द लीजेंड ऑफ प्रिंस राम से प्रभावित थे, और उन्होंने आधुनिक तकनीक का उपयोग करके महाकाव्य रामायण को एक फिल्म में बदलने के लिए प्रेरित किया गया था। भारत में कोविड-19 लॉकडाउन के बीच राउत ने पटकथा लिखी, प्रभास को तुरंत ही ये प्रोजेक्ट पसंद आ गया, और प्रोडक्शन कंपनी ने टी सीरीज फिल्म्स इस प्रोजेक्ट के लिए तैयार हो गई थी। आदिपुरुष अब तक की सबसे महंगी भारतीय फिल्मों में से एक है, जिसका बजट 500 करोड़ है। दृश्य प्रभाव पर 200 मतलब VFX एंड CGI पर 250 करोड़ खर्च किए जाने का अनुमान है। इसे हिंदी और तेलुगु भाषाओं में एक साथ शूट किया गया है, और इसे 3D में फिल्माया गया है। तो बात करें मूवी के कास्टिंग के बारे में, तो सितंबर 2020 में निर्माताओं ने खुलासा किया कि प्रभास भगवान राम का चित्रण कर रहे हैं, जिनके चरित्र का नाम बाद में राघव के रूप में सामने आया था। सैफ अली खान जो पहले से ही राउत की तानाजी में एक प्रतिपक्षी के रूप में काम कर चुके हैं, उनको लंकेश नाम के साथ रावण की भूमिका के लिए साइन किया गया है। अनुष्का शेट्टी, अनुष्का शर्मा एंड कियारा आडवाणी और कीर्ति सर सुरेश को सीता की भूमिका के लिए संपर्क जाने की अफवाह के बाद नवंबर 2020 में यह बताया गया कि कृति सेनन को भूमिका निभाने के लिए कास्ट किया गया है। 4 महीने बाद मार्च 2021 में निर्माताओं ने फिल्म में उनके शामिल होने की पुष्टि की। फरवरी 2021 को 21 में सेट पर शामिल हुए, और सनी सिंह भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण की भूमिका निभा रहे हैं। तो बात करें मूवी की फिल्मिंग के बारे में, तो आदिपुरुष के लिए मोशन कैप्शन शूट 19 जनवरी 2021 को शुरू हुआ। मुहूर्त शॉट और औपचारिक लॉन्च 2 फरवरी 2021 को मुंबई भारत में किया गया था। जैसा कि निर्माताओं ने बताया, फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी उस दिन शुरू हुई थी। उसी दिन मुंबई में फिल्मांकन स्थल पर एक भीषण आग दुर्घटना हुई थी। आग लगने की वजह से एक ही तरह से डुप्लीकेट सेट बनाए गए थे। अक्टूबर 2021 में सैफ अली खान और कृति सेनन ने शूटिंग पूरी की थी। नवंबर 2021 में प्रभास ने भी शूटिंग पूरी की थी। 10 नवंबर 2021 को फिल्म की पूरी शूटिंग पूरी हो गई थी। तो बात करें मूवी के थिएट्रिकल रिलीज के बारे में, तो आदिपुरुष 12 जनवरी 2023 को तमिल मलयालम कन्नड़ में डब की गई संस्करण के साथ हिंदी और तेलुगु में थिएटर्स के रूप में रिलीज होने वाली है। यह पहले 11 अगस्त 2022 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन बाद में लाल सिंह चड्ढा की रिलीज के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। फिल्म का टीजर 2 अक्टूबर 2022 को गांधी जयंती के अवसर पर जारी किया गया था। तो बात करते हैं मूवी की मार्केटिंग के बारे में, तो हिंदी सेंसर वितरण के बारे में, तो हिंदी संस्करण के वितरण अधिकार डिस्ट्रीब्यूशन ए फिल्म्स द्वारा खरीदे गए थे। फिल्म का
तेलुगु संस्करण यूवी क्रिएशंस द्वारा वितरित किया गया है। आदिपुरुष फलन आदमी मतलब एक अपकमिंग भारतीय हिंदू पौराणिक फिल्म है जो महाकाव्य रामायण पर आधारित है। यह फिल्म ओम राउत द्वारा निर्देशित और टी सीरीज फिल्म्स और रेशियो फाइल्स द्वारा निर्मित है। हिंदी और तेलुगु भाषाओं में एक साथ फिल्माई गई। फिल्म में प्रभास राघव, कृति सेनन, जानकी और सैफ अली खान लंकेश के रूप में हैं। 500 करोड़ के बजट पर बनी आदिपुरुष अब तक की सबसे महंगी भारतीय फिल्म में से एक है। प्रिंसिपल फोटोग्राफी फरवरी 2021 में शुरू हुई और नवंबर 2021 में मुंबई में प्राथमिक शूटिंग के साथ समाप्त हुई। फिल्म को 12 जनवरी 2023 को मानक पुरुषों प्रारूप 3D और IMAX 3D में थिएटर्स के रूप में रिलीज किया जाना है। तो बात करते हैं मूवी के प्रीमियर के बारे में। तो 7000 साल पहले अयोध्या के राजा राघव अपनी पत्नी जानकी को बचाने के उद्देश्य हनुमान की सेना के की मदद से लंका द्वीप की यात्रा करते हैं, जिसे लंकेश द्वारा अपहरण कर लिया गया है। तो बात करें मूवी की कास्ट के बारे में। तो राघव के रूप में हैं प्रभास, जानकी के रूप में कृति सेनन एंड लंकेश के रूप में सैफ अली खान एंड लक्ष्मण के रूप में सनी सिंह और देवदत्त नाग हनुमान के रूप में और वत्सल सेठ है और सोनल चौहान है, तृप्ति तुराडमल है। तो बात करें मूवी की प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में। तो आदिपुरुष हिंदू महाकाव्य रामायण का एक रूपांतरण 18 अगस्त 2020 को एक प्रचार पोस्टर के माध्यम से घोषणा किया गया था। प्रभास ने ओम राउत के निर्देशन में भगवान राम की भूमिका निभाई है, जिन्होंने पहले पीरियड एक्शन फिल्म तानाजी 2020 का निर्देशन किया था। ओम राउत 1992 की जापानी फिल्म रामायण द लीजेंड ऑफ प्रिंस राम से प्रभावित थे और उन्होंने आधुनिक तकनीक का उपयोग करके महाकाव्य रामायण को एक फिल्म में बदलने के लिए प्रेरित किया गया था। भारत में कोविड-19 लॉकडाउन के बीच राउत ने पटकथा लिखी। प्रभास को तुरंत ही ये प्रोजेक्ट पसंद आ गया और प्रोडक्शन कंपनी ने टी सीरीज फिल्म्स इस प्रोजेक्ट के लिए तैयार हो गई थी। आदिपुरुष अब तक की सबसे महंगी भारतीय फिल्म में से एक है, जिसका बजट 500 करोड़ है। दृश्य प्रभाव पर 200 मतलब VFX एंड CGI पर 250 करोड़ खर्च किए जाने का अनुमान है। इसे हिंदी और तेलुगु भाषाओं में एक साथ शूट किया गया है और इसे 3D में फिल्माया गया है। तो बात करें मूवी के कास्टिंग के बारे में। तो सितंबर 2020 में निर्माताओं ने खुलासा किया कि प्रभास भगवान राम का चित्रण कर रहे हैं, जिनके चरित्र का नाम बाद में राघव के रूप में सामने आया था। सैफ अली खान जो पहले से ही राउत की तानाजी में एक प्रतिपक्षी के रूप में काम कर चुके हैं, उनको लंकेश नाम के साथ रावण की भूमिका के लिए साइन किया गया है। अनुष्का शेट्टी, अनुष्का शर्मा एंड कियारा हाडवानी और कीर्ति सुरेश को सीता की भूमिका के लिए संपर्क जाने की अफवाह के बाद नवंबर 2020 में यह बताया गया कि कृति सेनन को भूमिका निभाने के लिए कास्ट किया गया है। 4 महीने बाद मार्च 2021 में निर्माताओं ने फिल्म में उनके शामिल होने की पुष्टि की। फरवरी 2021 को 21 में सेट पर शामिल हुए और सनी सिंह भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण की भूमिका निभा रहे हैं। तो बात करें मूवी की फिल्मिंग के बारे में। तो आदिपुरुष के लिए मोशन कैप्शन शूट
19 जनवरी 2021 को शुरू हुआ। मुहूर्त शॉट और औपचारिक लॉन्च 2 फरवरी 2021 को मुंबई भारत में किया गया था। जैसा कि निर्माताओं ने बताया, फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी उस दिन शुरू हुई थी। उसी दिन मुंबई में फिल्मांकन स्थल पर एक भीषण आग दुर्घटना हुई थी। आग लगने की वजह से एक ही तरह से डुप्लीकेट सेट बनाए गए थे। अक्टूबर 2021 में सैफ अली खान और कृति सेनन ने शूटिंग पूरी की थी। नवंबर 2021 में प्रभास ने भी शूटिंग पूरी की थी। 10 नवंबर 2021 को फिल्म की पूरी शूटिंग पूरी हो गई थी। तो बात करें मूवी के थिएट्रिकल रिलीज के बारे में, तो आदिपुरुष 12 जनवरी 2023 को तमिल, मलयालम, कन्नड़ में डब की गई संस्करण के साथ हिंदी और तेलुगु में थिएटर्स के रूप में रिलीज होने वाली है। यह पहले 11 अगस्त 2022 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन बाद में लाल सिंह चड्ढा की रिलीज के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। फिल्म का टीजर 2 अक्टूबर 2022 को गांधी जयंती के अवसर पर जारी किया गया था। तो बात करते हैं मूवी की मार्केटिंग के बारे में, तो हिंदी वितरण के बारे में, तो हिंदी संस्करण के वितरण अधिकार ए मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ए फिल्म्स द्वारा खरीदे गए थे। फिल्म का तेलुगु संस्करण यूवी क्रिएशंस द्वारा वितरित किया गया है। आदिपुरुष पहला आदमी मतलब एक अपकमिंग भारतीय हिंदू पौराणिक फिल्म है जो महाकाव्य रामायण पर आधारित है। यह फिल्म ओम राउत द्वारा निर्देशित और टी सीरीज फिल्म्स और एशिया फाइल्स द्वारा निर्मित है। हिंदी और तेलुगु भाषाओं में एक साथ फिल्माई गई। फिल्म में प्रभास, राघव, कृति सेनन, जानकी और सैफ अली खान लंकेश के रूप में हैं। 500 करोड़ के बजट पर बनी आदिपुरुष अब तक की सबसे महंगी भारतीय फिल्म में से एक है। प्रिंसिपल फोटोग्राफी फरवरी 2021 में शुरू हुई और नवंबर 2021 में मुंबई में प्राथमिक शूटिंग के साथ समाप्त हुई। फिल्म को 12 जनवरी 2023 को मानक पुरुषों प्रारूप 3D और IMAX 3D में थिएटर्स के रूप में रिलीज किया जाना है। तो बात करते हैं मूवी के प्रीमियर के बारे में, तो 7000 साल पहले अयोध्या के राजा राघव अपनी पत्नी जानकी को बचाने के उद्देश्य हनुमान की सेना के की मदद से लंका द्वीप की यात्रा करते हैं, जिसे लंकेश द्वारा अपहरण कर लिया गया है। तो बात करें मूवी की कास्ट के बारे में, तो राघव के रूप में हैं प्रभास, जानकी के रूप में कृति सेनन एंड लंकेश के रूप में हैं सैफ अली खान एंड लक्ष्मण के रूप में सनी सिंह और देवदत्त नाग हनुमान के रूप में और वत्सल सेठ हैं और सोनल चौहान है, तृप्ति तुराडमल है। तो बात करें मूवी की प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में, तो आदिपुरुष हिंदू महाकाव्य रामायण का एक रूपांतरण 18 अगस्त 2020 को एक प्रचार पोस्टर के माध्यम से घोषणा किया गया था। प्रभास ने ओम राउत के निर्देशन में भगवान राम की भूमिका निभाई है, जिन्होंने पहले पीरियड एक्शन फिल्म तानाजी 2020 का निर्देशन किया था। ओम राउत 1992 की जापानी फिल्म रामायण द लीजेंड ऑफ प्रिंस राम से प्रभावित थे और उन्होंने आधुनिक तकनीक का उपयोग करके महाकाव्य रामायण को एक फिल्म में बदलने के लिए प्रेरित किया गया था। भारत में कोविड-19 लॉकडाउन के बीच राउत ने पटकथा लिखी। प्रभास को तुरंत ही ये प्रोजेक्ट पसंद आ गया और प्रोडक्शन कंपनी ने टी सीरीज फिल्म्स इस प्रोजेक्ट के लिए तैयार हो गई थी। आदिपुरुष अब तक की सबसे महंगी भारतीय फिल्मों में से एक है।
जिसका वजह 500 करोड़ है। दृश्य प्रभाव पर 200 मतलब VFX एंड CGI पर 250 करोड़ खर्च किए जाने का अनुमान है। इसे हिंदी और तेलुगु भाषाओं में एक साथ शूट किया गया है और इसे 3D में फिल्माया गया है। तो बात करें मूवी के कास्टिंग के बारे में, तो सितंबर 2020 में निर्माताओं ने खुलासा किया कि प्रभास भगवान राम का चित्रण कर रहे हैं, जिनके चरित्र का नाम बाद में राघव के रूप में सामने आया था। सैफ अली खान जो पहले से ही राउत की तानाजी में एक प्रतिपक्षी के रूप में काम कर चुके हैं, उनको लंकेश नाम के साथ रावण की भूमिका के लिए साइन किया गया है। अनुष्का शेट्टी, अनुष्का शर्मा एंड कियारा आडवाणी और कीर्ति सर सुरेश को सीता की भूमिका के लिए संपर्क जाने की अफवाह के बाद नवंबर 2020 में यह बताया गया कि कृति सेनन को भूमिका निभाने के लिए कास्ट किया गया है। 4 महीने बाद मार्च 2021 में निर्माताओं ने फिल्म में उनके शामिल होने की पुष्टि की। फरवरी 2021 को 21 में सेट पर शामिल हुए और सही सनी सिंह भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण की भूमिका निभा रहे हैं। तो बात करें मूवी की फिल्मिंग के बारे में, तो आदिपुरुष के लिए मोशन कैप्शन शूट 19 जनवरी 2021 को शुरू हुआ। मुहूर्त शॉट और औपचारिक लॉन्च 2 फरवरी 2021 को मुंबई भारत में किया गया था। जैसा कि निर्माताओं ने बताया, फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी उस दिन शुरू हुई थी। उसी दिन मुंबई में फिल्मांकन स्थल पर एक भीषण आग दुर्घटना हुई थी। आग लगने की वजह से एक ही तरह से डुप्लीकेट सेट बनाए गए थे। अक्टूबर 2021 में सैफ अली खान और कृति सेनन ने शूटिंग पूरी की थी। नवंबर 2021 में प्रभास ने भी शूटिंग पूरी की थी। 10 नवंबर 2021 को फिल्म की पूरी शूटिंग पूरी हो गई थी। तो बात करें मूवी के थिएट्रिकल रिलीज के बारे में, तो आदिपुरुष 12 जनवरी 2023 को तमिल मलयालम कन्नड़ में डब की गई संस्करण के साथ हिंदी और तेलुगु में थिएटर्स के रूप में रिलीज होने वाली है। यह पहले 11 अगस्त 2022 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन बाद में लाल सिंह चड्ढा की रिलीज के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। फिल्म का टीजर 2 अक्टूबर 2022 को गांधी जयंती के अवसर पर जारी किया गया था। तो बात करते हैं मूवी की मार्केटिंग के बारे में, तो हिंदी वितरण के बारे में, तो हिंदी संस्करण के वितरण अधिकार ए मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ए फिल्म्स द्वारा खरीदे गए थे। फिल्म का तेलुगु संस्करण यूवी क्रिएशंस द्वारा वितरित किया गया है। आदिपुरुष पहला आदमी मतलब एक अपकमिंग भारतीय हिंदू पौराणिक फिल्म है जो महाकाव्य रामायण पर आधारित है। यह फिल्म ओम राउत द्वारा निर्देशित और टी सीरीज फिल्म्स और रिश्वफाइल्स द्वारा निर्मित है। हिंदी और तेलुगु भाषाओं में एक साथ फिल्माई गई। फिल्म में प्रभास राघव, कृति सेनन, जानकी और सैफ अली खान लंकेश के रूप में हैं। 500 करोड़ के बजट पर बनी आदिपुरुष अब तक की सबसे महंगी भारतीय फिल्म में से एक है। प्रिंसिपल फोटोग्राफी फरवरी 2021 में शुरू हुई और नवंबर 2021 में मुंबई में प्राथमिक शूटिंग के साथ समाप्त हुई। फिल्म को 12 जनवरी 2023 को मानक पुरुषों प्रारूप 3D और IMAX 3D में थिएटर्स के रूप में रिलीज किया जाना है। तो बात करते हैं मूवी के प्रीमियर के बारे में, तो 7000 साल पहले अयोध्या के राजा राघव अपनी पत्नी जानकी को बचाने के उद्देश्य हनुमान की सेना के की मदद से लंका द्वीप की यात्रा करते हैं, जिसे लंकेश द्वारा अपहरण
कर लिया गया है। तो बात करें मूवी की कास्ट के बारे में, तो राघव के रूप में हैं प्रभास, जानकी के रूप में कृति सेनन, एंड लंकेश के रूप में सैफ अली खान, एंड लक्ष्मण के रूप में सनी सिंहम, और देवदत्त नाग हनुमान के रूप में, और वत्सल सेठ है, और सोनल चौहान है, तृप्ति तुराडमल है। तो बात करें मूवी की प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में, तो आदिपुरुष हिंदू महाकाव्य रामायण का एक रूपांतरण 18 अगस्त 2020 को एक प्रचार पोस्टर के माध्यम से घोषणा किया गया था। प्रभास ने ओम राउत के निर्देशन में भगवान राम की भूमिका निभाई है, जिन्होंने पहले पीरियड एक्शन फिल्म तानाजी 2020 की 20 का निर्देशन किया था। ओम राउत 1992 की जापानी फिल्म रामायण द लीजेंड ऑफ प्रिंस राम से प्रभावित थे, और उन्होंने आधुनिक तकनीक का उपयोग करके महाकाव्य रामायण को एक फिल्म में बदलने के लिए प्रेरित किया गया था। भारत में कोविड-19 लॉकडाउन के बीच राउत ने पटकथा लिखी, प्रभास को तुरंत ही ये प्रोजेक्ट पसंद आ गया, और प्रोडक्शन कंपनी ने टी सीरीज फिल्म्स इस प्रोजेक्ट के लिए तैयार हो गई थी। आदिपुरुष अब तक की सबसे महंगी भारतीय फिल्मों में से एक है, जिसका बजट 500 करोड़ है। दृश्य प्रभाव पर 200 मतलब VFX एंड CGI पर 250 करोड़ खर्च किए जाने का अनुमान है। इसे हिंदी और तेलुगु भाषाओं में एक साथ शूट किया गया है, और इसे 3D में फिल्माया गया है। तो बात करें मूवी के कास्टिंग के बारे में, तो सितंबर 2020 में निर्माताओं ने खुलासा किया कि प्रभास भगवान राम का चित्रण कर रहे हैं, जिनके चरित्र का नाम बाद में राघव के रूप में सामने आया था। सैफ अली खान जो पहले से ही राउत की तानाजी में एक प्रतिपक्षी के रूप में काम कर चुके हैं, उनको लंकेश नाम के साथ रावण की भूमिका के लिए साइन किया गया है। अनुष्का शेट्टी, अनुष्का शर्मा एंड कियारा आडवाणी और कीर्ति सर सुरेश को सीता की भूमिका के लिए संपर्क जाने की अफवाह के बाद नवंबर 2020 में यह बताया गया कि कृति सेनन को भूमिका निभाने के लिए कास्ट किया गया है। 4 महीने बाद मार्च 2021 में निर्माताओं ने फिल्म में उनके शामिल होने की पुष्टि की। फरवरी 2021 को 21 में सेट पर शामिल हुए, और सनी सिंह भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण की भूमिका निभा रहे हैं। तो बात करें मूवी की फिल्मिंग के बारे में, तो आदिपुरुष के लिए मोशन कैप्शन शूट 19 जनवरी 2021 को शुरू हुआ। मुहूर्त शॉट और औपचारिक लॉन्च 2 फरवरी 2021 को मुंबई भारत में किया गया था। जैसा कि निर्माताओं ने बताया, फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी उस दिन शुरू हुई थी। उसी दिन मुंबई में फिल्मांकन स्थल पर एक भीषण आग दुर्घटना हुई थी। आग लगने की वजह से एक ही तरह से डुप्लीकेट सेट बनाए गए थे। अक्टूबर 2021 में सैफ अली खान और कृति सेनन ने शूटिंग पूरी की थी। नवंबर 2021 में प्रभास ने भी शूटिंग पूरी की थी। 10 नवंबर 2021 को फिल्म की पूरी शूटिंग पूरी हो गई थी। तो बात करें मूवी के थिएट्रिकल रिलीज के बारे में, तो आदिपुरुष 12 जनवरी 2023 को तमिल, मलयालम, कन्नड़ में डब किए गए संस्करणों के साथ हिंदी और तेलुगु में थिएटर्स के रूप में रिलीज होने वाली है। यह पहले 11 अगस्त 2022 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन बाद में लाल सिंह चड्ढा की रिलीज के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। फिल्म का टीजर 2 अक्टूबर 2022 को गांधी जयंती के अवसर पर जारी किया गया था। तो बात करते हैं मूवी की मार्केटिंग के बारे में, तो हिंदी वितरण के बारे में, तो हिंदी संस्करण के वितरण अधिकार डिस्ट्रीब्यूशन ए फिल्म्स द्वारा खरीदे गए थे। फिल्म का तेलुगु संस्करण यूवी क्रिएशंस द्वारा वितरित किया गया है। आदिपुरुष
फलाना आदमी मतलब एक अपकमिंग भारतीय हिंदू पौराणिक फिल्म है जो महाकाव्य रामायण पर आधारित है। यह फिल्म ओम राउत द्वारा निर्देशित और टी सीरीज फिल्म्स और रेस्ट्रियो फाइल्स द्वारा निर्मित है। हिंदी और तेलुगु भाषाओं में एक साथ फिल्माई गई। फिल्म में प्रभास राघव, कृति सेनन, जानकी और सैफ अली खान लंकेश के रूप में हैं। 500 करोड़ के बजट पर बनी आदिपुरुष अब तक की सबसे महंगी भारतीय फिल्म में से एक है। प्रिंसिपल फोटोग्राफी फरवरी 2021 में शुरू हुई और नवंबर 2021 में मुंबई में प्राथमिक शूटिंग के साथ समाप्त हुई। फिल्म को 12 जनवरी 2023 को मानक पुरुषों प्रारूप 3D और IMAX 3D में थिएटर्स के रूप में रिलीज किया जाना है। तो बात करते हैं मूवी के प्रीमियर के बारे में। तो 7000 साल पहले अयोध्या के राजा राघव अपनी पत्नी जानकी को बचाने के उद्देश्य हनुमान की सेना के की मदद से लंका द्वीप की यात्रा करते हैं, जिसे लंकेश द्वारा अपहरण कर लिया गया है। तो बात करें मूवी की कास्ट के बारे में। तो राघव के रूप में हैं प्रभास, जानकी के रूप में कृति सेनन एंड लंकेश के रूप में सैफ अली खान एंड लक्ष्मण के रूप में सनी सिंह और देवदत्त नाग हनुमान के रूप में और वत्सल सेठ है और सोनल चौहान है, तृप्ति तुराडमल है। तो बात करें मूवी की प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में। तो आदिपुरुष हिंदू महाकाव्य रामायण का एक रूपांतरण 18 अगस्त 2020 को एक प्रचार पोस्टर के माध्यम से घोषणा किया गया था। प्रभास ने ओम राउत के निर्देशन में भगवान राम की भूमिका निभाई है, जिन्होंने पहले पीरियड एक्शन फिल्म तन्नाजी 2020 की 20 का निर्देशन किया था। ओम राउत 1992 की जापानी फिल्म रामायण द लीजेंड ऑफ प्रिंस राम से प्रभावित थे और उन्होंने आधुनिक तकनीक का उपयोग करके महाकाव्य रामायण को एक फिल्म में बदलने के लिए प्रेरित किया गया था। भारत में कोविड-19 लॉकडाउन के बीच राउत ने पटकथा लिखी। प्रभास को तुरंत ही ये प्रोजेक्ट पसंद आ गया और प्रोडक्शन कंपनी ने टी सीरीज फिल्म्स इस प्रोजेक्ट के लिए तैयार हो गई थी। आदिपुरुष अब तक की सबसे महंगी भारतीय फिल्म में से एक है, जिसका बजट 500 करोड़ है। दृश्य प्रभाव पर 200 मतलब VFX एंड CGI पर 250 करोड़ खर्च किए जाने का अनुमान है। इसे हिंदी और तेलुगु भाषाओं में एक साथ शूट किया गया है और इसे 3D में फिल्माया गया है। तो बात करें मूवी के कास्टिंग के बारे में। तो सितंबर 2020 में निर्माताओं ने खुलासा किया कि प्रभास भगवान राम का चित्रण कर रहे हैं, जिनके चरित्र का नाम बाद में राघव के रूप में सामने आया था। सैफ अली खान जो पहले से ही राउत की तानाजी में एक प्रतिपक्षी के रूप में काम कर चुके हैं, उनको लंकेश नाम के साथ रावण की भूमिका के लिए साइन किया गया है। अनुष्का शेट्टी, अनुष्का शर्मा एंड कियारा हाडवाणी और कीर्ति सुरेश को सीता की भूमिका के लिए संपर्क जाने की अफवाह के बाद नवंबर 2020 में यह बताया गया कि कृति सेनन को भूमिका निभाने के लिए कास्ट किया गया है। 4 महीने बाद मार्च 2021 में निर्माताओं ने फिल्म में उनके शामिल होने की पुष्टि की। फरवरी 2021 को 21 में सेट पर शामिल हुए और सनी सिंह भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण की भूमिका निभा रहे हैं। तो बात करें मूवी की फिल्मिंग के बारे में। तो आदिपुरुष के लिए मोशन कैप्शन शूट 19 जनवरी 2021 को शुरू हुआ।
मुहूर्त शॉट और औपचारिक लॉन्च 2 फरवरी 2021 को मुंबई भारत में किया गया था। जैसा कि निर्माताओं ने बताया, फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी उस दिन शुरू हुई थी। उसी दिन मुंबई में फिल्मांकन स्थल पर एक भीषण आग दुर्घटना हुई थी। आग लगने की वजह से एक ही तरह से डुप्लीकेट सेट बनाए गए थे। अक्टूबर 2021 में सैफ अली खान और कृति सेनन ने शूटिंग पूरी की थी। नवंबर 2021 में प्रभास ने भी शूटिंग पूरी की थी। 10 नवंबर 2021 को फिल्म की पूरी शूटिंग पूरी हो गई थी। तो बात करें मूवी के थिएट्रिकल रिलीज के बारे में, तो आदिपुरुष 12 जनवरी 2023 को तमिल मलयालम कन्नड में डब की गई संस्करण के साथ हिंदी और तेलुगु में थिएटर्स के रूप में रिलीज होने वाली है। यह पहले 11 अगस्त 2022 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन बाद में लाल सिंह चड्ढा की रिलीज के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। फिल्म का टीजर 2 अक्टूबर 2022 को गांधी जयंती के अवसर पर जारी किया गया था। तो बात करते हैं मूवी की मार्केटिंग के बारे में, तो हिंदी वितरण के बारे में, तो हिंदी संस्करण के वितरण अधिकार ए मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ए फिल्म्स द्वारा खरीदे गए थे। फिल्म का तेलुगु संस्करण यूवी क्रिएशंस द्वारा वितरित किया गया है। आदिपुरुष पहला आदमी मतलब एक अपकमिंग भारतीय हिंदू पौराणिक फिल्म है जो महाकाव्य रामायण पर आधारित है। यह फिल्म ओम राउत द्वारा निर्देशित और टी सीरीज फिल्म्स और रेशिया फाइल्स द्वारा निर्मित है। हिंदी और तेलुगु भाषाओं में एक साथ फिल्माई गई। फिल्म में प्रभास राघव, कृति सेनन, जानकी और सैफ अली खान लंकेश के रूप में हैं। 500 करोड़ के बजट पर बनी आदिपुरुष अब तक की सबसे महंगी भारतीय फिल्म में से एक है। प्रिंसिपल फोटोग्राफी फरवरी 2021 में शुरू हुई और नवंबर 2021 में मुंबई में प्राथमिक शूटिंग के साथ समाप्त हुई। फिल्म को 12 जनवरी 2023 को मानक पुरुषों प्रारूप 3D और IMAX 3D में थिएटर्स के रूप में रिलीज किया जाना है। तो बात करते हैं मूवी के प्रीमियर के बारे में, तो 7000 साल पहले अयोध्या के राजा राघव अपनी पत्नी जानकी को बचाने के उद्देश्य हनुमान की सेना के की मदद से लंका द्वीप की यात्रा करते हैं, जिसे लंकेश द्वारा अपहरण कर लिया गया है। तो बात करें मूवी की कास्ट के बारे में, तो राघव के रूप में हैं प्रभास, जानकी के रूप में कृति सेनन एंड लंकेश के रूप में हैं सैफ अली खान एंड लक्ष्मण के रूप में सनी सिंह और देवदत्त नाग हनुमान के रूप में और वत्सल सेठ हैं और सोनल चौहान है, तृप्ति तुराडमल है। तो बात करें मूवी की प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में, तो आदिपुरुष हिंदू महाकाव्य रामायण का एक रूपांतरण 18 अगस्त 2020 को एक प्रचार पोस्टर के माध्यम से घोषणा किया गया था। प्रभास ने ओम राउत के निर्देशन में भगवान राम की भूमिका निभाई है, जिन्होंने पहले पीरियड एक्शन फिल्म तानाजी 2020 का निर्देशन किया था। ओम राउत 1992 की जापानी फिल्म रामायण द लीजेंड ऑफ प्रिंस राम से प्रभावित थे और उन्होंने आधुनिक तकनीक का उपयोग करके महाकाव्य रामायण को एक फिल्म में बदलने के लिए प्रेरित किया गया था। भारत में कोविड-19 लॉकडाउन के बीच राउत ने पटकथा लिखी। प्रभास को तुरंत ही ये प्रोजेक्ट पसंद आ गया और प्रोडक्शन कंपनी ने टी सीरीज फिल्म्स इस प्रोजेक्ट के लिए तैयार हो गई थी। आदिपुरुष अब तक की सबसे महंगी भारतीय फिल्मों में से एक है, जिसका बजट 500 करोड़ है। दृश्य प्रभाव पर 200 मतलब
वीएफएक्स एंड सीजीआई पर 250 करोड़ खर्च किए जाने का अनुमान है। इसे हिंदी और तेलुगु भाषाओं में एक साथ शूट किया गया है और इसे 3D में फिल्माया गया है। तो बात करें मूवी के कास्टिंग के बारे में, तो सितंबर 2020 में निर्माताओं ने खुलासा किया कि प्रभास भगवान राम का चित्रण कर रहे हैं, जिनके चरित्र का नाम बाद में राघव के रूप में सामने आया था। सैफ अली खान जो पहले से ही राउत की तानाजी में एक प्रतिपक्षी के रूप में काम कर चुके हैं, उनको लंकेश नाम के साथ रावण की भूमिका के लिए साइन किया गया है। अनुष्का शेट्टी, अनुष्का शर्मा एंड कियारा आडवाणी और कीर्ति सर सुरेश को सीता की भूमिका के लिए संपर्क जाने की अफवाह के बाद नवंबर 2020 में यह बताया गया कि कृति सेनन को भूमिका निभाने के लिए कास्ट किया गया है। 4 महीने बाद मार्च 2021 में निर्माताओं ने फिल्म में उनके शामिल होने की पुष्टि की। फरवरी 2021 को 21 में सेट पर शामिल हुए और सही सनी सिंह भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण की भूमिका निभा रहे हैं। तो बात करें मूवी की फिल्मिंग के बारे में, तो आदिपुरुष के लिए मोशन कैप्शन शूट 19 जनवरी 2021 को शुरू हुआ। मुहूर्त शॉट और औपचारिक लॉन्च 2 फरवरी 2021 को मुंबई भारत में किया गया था। जैसा कि निर्माताओं ने बताया, फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी उस दिन शुरू हुई थी। उसी दिन मुंबई में फिल्मांकन स्थल पर एक भीषण आग दुर्घटना हुई थी। आग लगने की वजह से एक ही तरह से डुप्लीकेट सेट बनाए गए थे। अक्टूबर 2021 में सैफ अली खान और कृति सेनन ने शूटिंग पूरी की थी। नवंबर 2021 में प्रभास ने भी शूटिंग पूरी की थी। 10 नवंबर 2021 को फिल्म की पूरी शूटिंग पूरी हो गई थी। तो बात करें मूवी के थिएट्रिकल रिलीज के बारे में, तो आदिपुरुष 12 जनवरी 2023 को तमिल मलयालम कन्नड़ में डब की गई संस्करण के साथ हिंदी और तेलुगु में थिएटर्स के रूप में रिलीज होने वाली है। यह पहले 11 अगस्त 2022 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन बाद में लाल सिंह चड्ढा की रिलीज के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। फिल्म का टीजर 2 अक्टूबर 2022 को गांधी जयंती के अवसर पर जारी किया गया था। तो बात करते हैं मूवी की मार्केटिंग के बारे में, तो हिंदी वितरण के बारे में, तो हिंदी संस्करण के वितरण अधिकार ए मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ए फिल्म्स द्वारा खरीदे गए थे। फिल्म का तेलुगु संस्करण यूवी क्रिएशंस द्वारा वितरित किया गया है। आदिपुरुष पहला आदमी मतलब एक अपकमिंग भारतीय हिंदू पौराणिक फिल्म है जो महाकाव्य रामायण पर आधारित है। यह फिल्म ओम राउत द्वारा निर्देशित और टी सीरीज फिल्म्स और रेस्ट्रिया फाइल्स द्वारा निर्मित है। हिंदी और तेलुगु भाषाओं में एक साथ फिल्माई गई। फिल्म में प्रभास राघव, कृति सेनन, जानकी और सैफ अली खान लंकेश के रूप में हैं। 500 करोड़ के बजट पर बनी आदिपुरुष अब तक की सबसे महंगी भारतीय फिल्म में से एक है। प्रिंसिपल फोटोग्राफी फरवरी 2021 में शुरू हुई और नवंबर 2021 में मुंबई में प्राथमिक शूटिंग के साथ समाप्त हुई। फिल्म को 12 जनवरी 2023 को मानक पुरुषों प्रारूप 3D और IMAX 3D में थिएटर्स के रूप में रिलीज किया जाना है। तो बात करते हैं मूवी के प्रीमियर के बारे में, तो 7000 साल पहले अयोध्या के राजा राघव अपनी पत्नी जानकी को बचाने के उद्देश्य हनुमान की सेना के की मदद से लंका द्वीप की यात्रा करते हैं, जिसे लंकेश द्वारा अपहरण कर लिया गया है। तो बात करें मूवी की कास्ट के बारे में, तो
राघव के रूप में हैं, प्रभास जानकी के रूप में, कृति सेनन एंड लंकेश के रूप में हैं, सैफ अली खान एंड लक्ष्मण के रूप में, सनी सिंह और देवदत्त नाग हनुमान के रूप में, और वत्सल सेठ हैं, और सोनल चौहान है, तृप्ति तुराडमल है। तो बात करें मूवी की प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में, तो आदिपुरुष हिंदू महाकाव्य रामायण का एक रूपांतरण 18 अगस्त 2020 को एक प्रचार पोस्टर के माध्यम से घोषणा किया गया था। प्रभास ने ओम राउत के निर्देशन में भगवान राम की भूमिका निभाई है, जिन्होंने पहले पीरियड एक्शन फिल्म तानाजी 2020 की 20 का निर्देशन किया था। ओम राउत 1992 की जापानी फिल्म रामायण द लीजेंड ऑफ प्रिंस राम से प्रभावित थे, और उन्होंने आधुनिक तकनीक का उपयोग करके महाकाव्य रामायण को एक फिल्म में बदलने के लिए प्रेरित किया गया था। भारत में कोविड-19 लॉकडाउन के बीच राउत ने पटकथा लिखी, प्रभास को तुरंत ही ये प्रोजेक्ट पसंद आ गया और प्रोडक्शन कंपनी ने टी सीरीज फिल्म्स इस प्रोजेक्ट के लिए तैयार हो गई थी। आदिपुरुष अब तक की सबसे महंगी भारतीय फिल्मों में से एक है, जिसका बजट 500 करोड़ है। दृश्य प्रभाव पर 200 मतलब VFX एंड CGI पर 250 करोड़ खर्च किए जाने का अनुमान है। इसे हिंदी और तेलुगु भाषाओं में एक साथ शूट किया गया है और इसे 3D में फिल्माया गया है। तो बात करें मूवी के कास्टिंग के बारे में, तो सितंबर 2020 में निर्माताओं ने खुलासा किया कि प्रभास भगवान राम का चित्रण कर रहे हैं, जिनके चरित्र का नाम बाद में राघव के रूप में सामने आया था। सैफ अली खान जो पहले से ही राउत की तानाजी में एक प्रतिपक्षी के रूप में काम कर चुके हैं, उनको लंकेश नाम के साथ रावण की भूमिका के लिए साइन किया गया है। अनुष्का शेट्टी, अनुष्का शर्मा एंड कियारा आडवाणी और कीर्ति सर सुरेश को सीता की भूमिका के लिए संपर्क जाने की अफवाह के बाद नवंबर 2020 में यह बताया गया कि कृति सेनन को भूमिका निभाने के लिए कास्ट किया गया है। 4 महीने बाद मार्च 2021 में निर्माताओं ने फिल्म में उनके शामिल होने की पुष्टि की। फरवरी 2021 को 21 में सेट पर शामिल हुए और सनी सिंह भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण की भूमिका निभा रहे हैं। तो बात करें मूवी की फिल्मिंग के बारे में, तो आदिपुरुष के लिए मोशन कैप्शन शूट 19 जनवरी 2021 को शुरू हुआ। मुहूर्त शॉट और औपचारिक लॉन्च 2 फरवरी 2021 को मुंबई भारत में किया गया था। जैसा कि निर्माताओं ने बताया, फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी उस दिन शुरू हुई थी। उसी दिन मुंबई में फिल्मांकन स्थल पर एक भीषण आग दुर्घटना हुई थी। आग लगने की वजह से एक ही तरह से डुप्लीकेट सेट बनाए गए थे। अक्टूबर 2021 में सैफ अली खान और कृति सेनन ने शूटिंग पूरी की थी। नवंबर 2021 में प्रभास ने भी शूटिंग पूरी की थी। 10 नवंबर 2021 को फिल्म की पूरी शूटिंग पूरी हो गई थी। तो बात करें मूवी के थिएट्रिकल रिलीज के बारे में, तो आदिपुरुष 12 जनवरी 2023 को तमिल मलयालम कन्नड़ में डब की गई संस्करण के साथ हिंदी और तेलुगु में थिएटर्स के रूप में रिलीज होने वाली है। यह पहले 11 अगस्त 2022 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन बाद में लाल सिंह चड्ढा की रिलीज के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। फिल्म का टीजर 2 अक्टूबर 2022 को गांधी जयंती के अवसर पर जारी किया गया था। तो बात करते हैं मूवी की मार्केटिंग के बारे में, तो हिंदी वितरण के बारे में, तो हिंदी संस्करण के वितरण अधिकार डिस्ट्रीब्यूशन ए फिल्म्स द्वारा खरीदे गए थे। फिल्म का तेलुगु संस्करण यूवी क्रिएशंस द्वारा वितरित किया गया है। आदिपुरुष पहला आदमी एक अपकमिंग भारतीय हिंदू
पौराणिक फिल्म है जो महाकाव्य रामायण पर आधारित है। यह फिल्म ओम राउत द्वारा निर्देशित और टी सीरीज फिल्म्स और रेशियो फाइल्स द्वारा निर्मित है। हिंदी और तेलुगु भाषाओं में एक साथ फिल्माई गई। फिल्म में प्रभास राघव, कृति सेनन, जानकी और सैफ अली खान लंकेश के रूप में हैं। 500 करोड़ के बजट पर बनी आदिपुरुष अब तक की सबसे महंगी भारतीय फिल्म में से एक है। प्रिंसिपल फोटोग्राफी फरवरी 2021 में शुरू हुई और नवंबर 2021 में मुंबई में प्राथमिक शूटिंग के साथ समाप्त हुई। फिल्म को 12 जनवरी 2023 को मानक पुरुषों प्रारूप 3D और IMAX 3D में थिएटर्स के रूप में रिलीज किया जाना है। तो बात करते हैं मूवी के प्रीमियर के बारे में। तो 7000 साल पहले अयोध्या के राजा राघव अपनी पत्नी जानकी को बचाने के उद्देश्य हनुमान की सेना के की मदद से लंका द्वीप की यात्रा करते हैं, जिसे लंकेश द्वारा उपहरण कर लिया गया है। तो बात करें मूवी की कास्ट के बारे में। तो राघव के रूप में हैं प्रभास, जानकी के रूप में कृति सेनन एंड लंकेश के रूप में सैफ अली खान एंड लक्ष्मण के रूप में सनी सिंह और देवदत्त नाग हनुमान के रूप में और वत्सल सेठ है और सोनल चौहान है, तृप्ति तुराडमल है। तो बात करें मूवी की प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में। तो आदिपुरुष हिंदू महाकाव्य रामायण का एक रूपांतरण 18 अगस्त 2020 को एक प्रचार पोस्टर के माध्यम से घोषणा किया गया था। प्रभास ने ओम राउत के निर्देशन में भगवान राम की भूमिका निभाई है, जिन्होंने पहले पीरियड एक्शन फिल्म तानाजी 2020 का निर्देशन किया था। ओम राउत 1992 की जापानी फिल्म रामायण द लीजेंड ऑफ प्रिंस राम से प्रभावित थे और उन्होंने आधुनिक तकनीक का उपयोग करके महाकाव्य रामायण को एक फिल्म में बदलने के लिए प्रेरित किया गया था। भारत में कोविड-19 लॉकडाउन के बीच राउत ने पटकथा लिखी। प्रभास को तुरंत ही ये प्रोजेक्ट पसंद आ गया और प्रोडक्शन कंपनी ने टी सीरीज फिल्म्स इस प्रोजेक्ट के लिए तैयार हो गई थी। आदिपुरुष अब तक की सबसे महंगी भारतीय फिल्म में से एक है, जिसका बजट 500 करोड़ है। दृश्य प्रभाव पर 200 VFX एंड CGI पर 250 करोड़ खर्च किए जाने का अनुमान है। इसे हिंदी और तेलुगु भाषाओं में एक साथ शूट किया गया है और इसे 3D में फिल्माया गया है। तो बात करें मूवी के कास्टिंग के बारे में। तो सितंबर 2020 में निर्माताओं ने खुलासा किया कि प्रभास भगवान राम का चित्रण कर रहे हैं, जिनके चरित्र का नाम बाद में राघव के रूप में सामने आया था। सैफ अली खान जो पहले से ही राउत की तानाजी में एक प्रतिपक्षी के रूप में काम कर चुके हैं, उनको लंकेश नाम के साथ रावण की भूमिका के लिए साइन किया गया है। अनुष्का शेट्टी, अनुष्का शर्मा एंड कियारा हाडवाणी और कीर्ति सुरेश को सीता की भूमिका के लिए संपर्क जाने की अफवाह के बाद नवंबर 2020 में यह बताया गया कि कृति सेनन को भूमिका निभाने के लिए कास्ट किया गया है। 4 महीने बाद मार्च 2021 में निर्माताओं ने फिल्म में उनके शामिल होने की पुष्टि की। फरवरी 2021 को 21 में सेट पर शामिल हुए और सनी सिंह भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण की भूमिका निभा रहे हैं। तो बात करें मूवी की फिल्मिंग के बारे में। तो आदिपुरुष के लिए मोशन कैप्शन शूट 19 जनवरी 2021 को शुरू हुआ। मुहूर्त शॉट और औपचारिक लॉन्च 2 फरवरी 2021 को मुंबई भारत में किया गया था।
जैसा कि निर्माताओं ने बताया, फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी उस दिन शुरू हुई थी। उसी दिन मुंबई में फिल्मांकन स्थल पर एक भीषण आग दुर्घटना हुई थी। आग लगने की वजह से एक ही तरह से डुप्लीकेट सेट बनाए गए थे। अक्टूबर 2021 में सैफ अली खान और कृति सेनन ने शूटिंग पूरी की थी। नवंबर 2021 में प्रभास ने भी शूटिंग पूरी की थी। 10 नवंबर 2021 को फिल्म की पूरी शूटिंग पूरी हो गई थी। तो बात करें मूवी के थिएट्रिकल रिलीज के बारे में, तो आदिपुरुष 12 जनवरी 2023 को तमिल, मलयालम, कन्नड़ में डब की गई संस्करण के साथ हिंदी और तेलुगु में थिएटर्स के रूप में रिलीज होने वाली है। यह पहले 11 अगस्त 2022 को रिलीज़ होने वाली थी, लेकिन बाद में लाल सिंह चड्ढा की रिलीज के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। फिल्म का टीजर 2 अक्टूबर 2022 को गांधी जयंती के अवसर पर जारी किया गया था। तो बात करते हैं मूवी की मार्केटिंग के बारे में, तो हिंदी वितरण के बारे में, तो हिंदी संस्करण के वितरण अधिकार ए मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ए फिल्म्स द्वारा खरीदे गए थे। फिल्म का तेलुगु संस्करण यूवी क्रिएशंस द्वारा वितरित किया गया है। आदिपुरुष पहला आदमी मतलब एक अपकमिंग भारतीय हिंदू पौराणिक फिल्म है जो महाकाव्य रामायण पर आधारित है। यह फिल्म ओम राउत द्वारा निर्देशित और टी सीरीज फिल्म्स और रेस्ट्रिया फाइल्स द्वारा निर्मित है। हिंदी और तेलुगु भाषाओं में एक साथ फिल्माई गई। फिल्म में प्रभास, राघव, कृति सेनन, जानकी और सैफ अली खान लंकेश के रूप में हैं। 500 करोड़ के बजट पर बनी आदिपुरुष अब तक की सबसे महंगी भारतीय फिल्म में से एक है। प्रिंसिपल फोटोग्राफी फरवरी 2021 में शुरू हुई और नवंबर 2021 में मुंबई में प्राथमिक शूटिंग के साथ समाप्त हुई। फिल्म को 12 जनवरी 2023 को मानक पुरुषों प्रारूप 3D और IMAX 3D में थिएटर्स के रूप में रिलीज किया जाना है। तो बात करते हैं मूवी के प्रीमियर के बारे में, तो 7000 साल पहले अयोध्या के राजा राघव अपनी पत्नी जानकी को बचाने के उद्देश्य हनुमान की सेना के की मदद से लंका द्वीप की यात्रा करते हैं, जिसे लंकेश द्वारा अपहरण कर लिया गया है। तो बात करें मूवी की कास्ट के बारे में, तो राघव के रूप में है प्रभास, जानकी के रूप में कृति सेनन एंड लंकेश के रूप में सैफ अली खान एंड लक्ष्मण के रूप में सनी सिंह और देवदत्त नाग हनुमान के रूप में और वत्सल सेठ है और सोनल चौहान है, तृप्ति तुराडमल है। तो बात करें मूवी की प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में, तो आदिपुरुष हिंदू महाकाव्य रामायण का एक रूपांतरण 18 अगस्त 2020 को एक प्रचार पोस्टर के माध्यम से घोषणा किया गया था। प्रभास ने ओम राउत के निर्देशन में भगवान राम की भूमिका निभाई है, जिन्होंने पहले पीरियड एक्शन फिल्म तानाजी 2020 का निर्देशन किया था। ओम राउत 1992 की जापानी फिल्म रामायण द लीजेंड ऑफ प्रिंस राम से प्रभावित थे और उन्होंने आधुनिक तकनीक का उपयोग करके महाकाव्य रामायण को एक फिल्म में बदलने के लिए प्रेरित किया गया था। भारत में कोविड-19 लॉकडाउन के बीच राउत ने पटकथा लिखी। प्रभास को तुरंत ही ये प्रोजेक्ट पसंद आ गया और प्रोडक्शन कंपनी ने टी सीरीज फिल्म्स इस प्रोजेक्ट के लिए तैयार हो गई थी। आदिपुरुष अब तक की सबसे महंगी भारतीय फिल्मों में से एक है, जिसका बजट 500 करोड़ है। दृश्य प्रभाव पर 200 मतलब VFX एंड CGI पर 250 करोड़ खर्च किए जाने का अनुमान है। इसे हिंदी और
तेलुगु भाषाओं में एक साथ शूट किया गया है और इसे 3D में फिल्माया गया है। तो बात करें मूवी के कास्टिंग के बारे में, तो सितंबर 2020 में निर्माताओं ने खुलासा किया कि प्रभास भगवान राम का चित्रण कर रहे हैं, जिनके चरित्र का नाम बाद में राघव के रूप में सामने आया था। सैफ अली खान जो पहले से ही राउत की तानाजी में एक प्रतिपक्षी के रूप में काम कर चुके हैं, उनको लंकेश नाम के साथ रावण की भूमिका के लिए साइन किया गया है। अनुष्का शेट्टी, अनुष्का शर्मा एंड कियारा आडवाणी और कीर्ति सर सुरेश को सीता की भूमिका के लिए संपर्क जाने की अफवाह के बाद नवंबर 2020 में यह बताया गया कि कृति सेनन को भूमिका निभाने के लिए कास्ट किया गया है। 4 महीने बाद मार्च 2021 में निर्माताओं ने फिल्म में उनके शामिल होने की पुष्टि की। फरवरी 2021 को 21 में सेट पर शामिल हुए और सही सनी सिंह भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण की भूमिका निभा रहे हैं। तो बात करें मूवी की फिल्मिंग के बारे में, तो आदिपुरुष के लिए मोशन कैप्शन शूट 19 जनवरी 2021 को शुरू हुआ। मुहूर्त शॉट और औपचारिक लॉन्च 2 फरवरी 2021 को मुंबई भारत में किया गया था। जैसा कि निर्माताओं ने बताया, फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी उस दिन शुरू हुई थी। उसी दिन मुंबई में फिल्मांकन स्थल पर एक भीषण आग दुर्घटना हुई थी। आग लगने की वजह से एक ही तरह से डुप्लीकेट सेट बनाए गए थे। अक्टूबर 2021 में सैफ अली खान और कृति सेनन ने शूटिंग पूरी की थी। नवंबर 2021 में प्रभास ने भी शूटिंग पूरी की थी। 10 नवंबर 2021 को फिल्म की पूरी शूटिंग पूरी हो गई थी। तो बात करें मूवी के थिएट्रिकल रिलीज के बारे में, तो आदिपुरुष 12 जनवरी 2023 को तमिल मलयालम कन्नड़ में डब की गई संस्करणों के साथ हिंदी और तेलुगु में थिएटर्स के रूप में रिलीज होने वाली है। यह पहले 11 अगस्त 2022 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन बाद में लाल सिंह चड्ढा की रिलीज के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। फिल्म का टीजर 2 अक्टूबर 2022 को गांधी जयंती के अवसर पर जारी किया गया था। तो बात करते हैं मूवी की मार्केटिंग के बारे में, तो हिंदी वितरण के बारे में, तो हिंदी संस्करण के वितरण अधिकार डिस्ट्रीब्यूशन ए फिल्म्स द्वारा खरीदे गए थे। फिल्म का तेलुगु संस्करण यूवी क्रिएशंस द्वारा वितरित किया गया है। आदिपुरुष पहला आदमी एक अपकमिंग भारतीय हिंदू पौराणिक फिल्म है जो महाकाव्य रामायण पर आधारित है। यह फिल्म ओम राउत द्वारा निर्देशित और टी सीरीज फिल्म्स और रिश्वाफाइल्स द्वारा निर्मित है। हिंदी और तेलुगु भाषाओं में एक साथ फिल्माई गई। फिल्म में प्रभास राघव, कृति सेनन, जानकी और सैफ अली खान लंकेश के रूप में हैं। 500 करोड़ के बजट पर बनी आदिपुरुष अब तक की सबसे महंगी भारतीय फिल्म में से एक है। प्रिंसिपल फोटोग्राफी फरवरी 2021 में शुरू हुई और नवंबर 2021 में मुंबई में प्राथमिक शूटिंग के साथ समाप्त हुई। फिल्म को 12 जनवरी 2023 को मानक पुरुषों प्रारूप 3D और IMAX 3D में थिएटर्स के रूप में रिलीज किया जाना है। तो बात करते हैं मूवी के प्रीमियर के बारे में, तो 7000 साल पहले अयोध्या के राजा राघव अपनी पत्नी जानकी को बचाने के उद्देश्य हनुमान की सेना के की मदद से लंका द्वीप की यात्रा करते हैं, जिसे लंकेश द्वारा अपहरण कर लिया गया है। तो बात करें मूवी की कास्ट के बारे में, तो राघव के रूप में हैं प्रभास, जानकी के रूप में कृति सेनन एंड लंकेश के रूप में सैफ अली खान एंड लक्ष्मण के रूप में
शनि सिंह और देवदत्त नाग हनुमान के रूप में, और वत्सल सेठ है, और सोनल चौहान है, तृप्ति तुराडमल है। तो बात करें मूवी की प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में, तो आदिपुरुष हिंदू महाकाव्य रामायण का एक रूपांतरण 18 अगस्त 2020 को एक प्रचार पोस्टर के माध्यम से घोषणा किया गया था। प्रभास ने ओम राउत के निर्देशन में भगवान राम की भूमिका निभाई है, जिन्होंने पहले पीरियड एक्शन फिल्म तानाजी 2020 की 20 का निर्देशन किया था। ओम राउत 1992 की जापानी फिल्म रामायण द लीजेंड ऑफ प्रिंस राम से प्रभावित थे, और उन्होंने आधुनिक तकनीक का उपयोग करके महाकाव्य रामायण को एक फिल्म में बदलने के लिए प्रेरित किया गया था। भारत में कोविड-19 लॉकडाउन के बीच राउत ने पटकथा लिखी, प्रभास को तुरंत ही ये प्रोजेक्ट पसंद आ गया और प्रोडक्शन कंपनी ने टी सीरीज फिल्म्स इस प्रोजेक्ट के लिए तैयार हो गई थी। आदिपुरुष अब तक की सबसे महंगी भारतीय फिल्मों में से एक है, जिसका बजट 500 करोड़ है। दृश्य प्रभाव पर 200 मतलब VFX एंड CGI पर 250 करोड़ खर्च किए जाने का अनुमान है। इसे हिंदी और तेलुगु भाषाओं में एक साथ शूट किया गया है और इसे 3D में फिल्माया गया है। तो बात करें मूवी के कास्टिंग के बारे में, तो सितंबर 2020 में निर्माताओं ने खुलासा किया कि प्रभास भगवान राम का चित्रण कर रहे हैं, जिनके चरित्र का नाम बाद में राघव के रूप में सामने आया था। सैफ अली खान जो पहले से ही राउत की तानाजी में एक प्रतिपक्षी के रूप में काम कर चुके हैं, उनको लंकेश नाम के साथ रावण की भूमिका के लिए साइन किया गया है। अनुष्का शेट्टी, अनुष्का शर्मा एंड कियारा आडवाणी और कीर्ति सर सुरेश को सीता की भूमिका के लिए संपर्क जाने की अफवाह के बाद नवंबर 2020 में यह बताया गया कि कृति सेनन को भूमिका निभाने के लिए कास्ट किया गया है। 4 महीने बाद मार्च 2021 में निर्माताओं ने फिल्म में उनके शामिल होने की पुष्टि की। फरवरी 2021 को 21 में सेट पर शामिल हुए और सनी सिंह भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण की भूमिका निभा रहे हैं। तो बात करें मूवी की फिल्मिंग के बारे में, तो आदिपुरुष के लिए मोशन कैप्शन शूट 19 जनवरी 2021 को शुरू हुआ। मुहूर्त शॉट और औपचारिक लॉन्च 2 फरवरी 2021 को मुंबई भारत में किया गया था। जैसा कि निर्माताओं ने बताया, फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी उस दिन शुरू हुई थी। उसी दिन मुंबई में फिल्मांकन स्थल पर एक भीषण आग दुर्घटना हुई थी। आग लगने की वजह से एक ही तरह से डुप्लीकेट सेट बनाए गए थे। अक्टूबर 2021 में सैफ अली खान और कृति सेनन ने शूटिंग पूरी की थी। नवंबर 2021 में प्रभास ने भी शूटिंग पूरी की थी। 10 नवंबर 2021 को फिल्म की पूरी शूटिंग पूरी हो गई थी। तो बात करें मूवी के थिएट्रिकल रिलीज के बारे में, तो आदिपुरुष 12 जनवरी 2023 को तमिल मलयालम कन्नड़ में डब की गई संस्करण के साथ हिंदी और तेलुगु में थिएटर्स के रूप में रिलीज होने वाली है। यह पहले 11 अगस्त 2022 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन बाद में लाल सिंह चड्ढा की रिलीज के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। फिल्म का टीजर 2 अक्टूबर 2022 को गांधी जयंती के अवसर पर जारी किया गया था। तो बात करते हैं मूवी की मार्केटिंग के बारे में, तो हिंदी वितरण के बारे में, तो हिंदी संस्करण के वितरण अधिकार डिस्ट्रीब्यूशन ए फिल्म्स द्वारा खरीदे गए थे। फिल्म का तेलुगु संस्करण यूवी क्रिएशंस द्वारा वितरित किया गया है। आदिपुरुष पहला आदमी एक अपकमिंग भारतीय हिंदू पौराणिक फिल्म है, जो महाकाव्य रामायण पर आधारित है। यह फिल्म ओम राउत
द्वारा निर्देशित और टी सीरीज फिल्म्स और रिश्योफाइल्स द्वारा निर्मित हैं। हिंदी और तेलुगु भाषाओं में एक साथ फिल्माई गई। फिल्म में प्रभास राघव, कृति सेनन, जानकी और सैफ अली खान लंकेश के रूप में हैं। 500 करोड़ के बजट पर बनी आदिपुरुष अब तक की सबसे महंगी भारतीय फिल्म में से एक है। प्रिंसिपल फोटोग्राफी फरवरी 2021 में शुरू हुई और नवंबर 2021 में मुंबई में प्राथमिक शूटिंग के साथ समाप्त हुई। फिल्म को 12 जनवरी 2023 को मानक पुरुषों प्रारूप 3D और IMAX 3D में थिएटर्स के रूप में रिलीज किया जाना है। तो बात करते हैं मूवी के प्रीमियर के बारे में। तो 7000 साल पहले अयोध्या के राजा राघव अपनी पत्नी जानकी को बचाने के उद्देश्य हनुमान की सेना के की मदद से लंका द्वीप की यात्रा करते हैं, जिसे लंकेश द्वारा अपहरण कर लिया गया है। तो बात करें मूवी की कास्ट के बारे में। तो राघव के रूप में हैं प्रभास, जानकी के रूप में कृति सेनन एंड लंकेश के रूप में सैफ अली खान एंड लक्ष्मण के रूप में सनी सिंह और देवदत्त नाग हनुमान के रूप में और वत्सल सेठ है और सोनल चौहान है, तृप्ति तुरामल है। तो बात करें मूवी की प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में। तो आदिपुरुष हिंदू महाकाव्य रामायण का एक रूपांतरण 18 अगस्त 2020 को एक प्रचार पोस्टर के माध्यम से घोषणा किया गया था। प्रभास ने ओम राउत के निर्देशन में भगवान राम की भूमिका निभाई है, जिन्होंने पहले पीरियड एक्शन फिल्म तन्नाजी 2020 की 20 का निर्देशन किया था। ओम राउत 1992 की जापानी फिल्म रामायण द लीजेंड ऑफ प्रिंस राम से प्रभावित थे और उन्होंने आधुनिक तकनीक का उपयोग करके महाकाव्य रामायण को एक फिल्म में बदलने के लिए प्रेरित किया गया था। भारत में कोविड-19 लॉकडाउन के बीच राउत ने पटकथा लिखी। प्रभास को तुरंत ही ये प्रोजेक्ट पसंद आ गया और प्रोडक्शन कंपनी ने टी सीरीज फिल्म्स इस प्रोजेक्ट के लिए तैयार हो गई थी। आदिपुरुष अब तक की सबसे महंगी भारतीय फिल्म में से एक है, जिसका बजट 500 करोड़ है। दृश्य प्रभाव पर 200 VFX एंड CGI पर 250 करोड़ खर्च किए जाने का अनुमान है। इसे हिंदी और तेलुगु भाषाओं में एक साथ शूट किया गया है और इसे 3D में फिल्माया गया है। तो बात करें मूवी के कास्टिंग के बारे में। तो सितंबर 2020 में निर्माताओं ने खुलासा किया कि प्रभास भगवान राम का चित्रण कर रहे हैं, जिनके चरित्र का नाम बाद में राघव के रूप में सामने आया था। सैफ अली खान जो पहले से ही राउत की तानाजी में एक प्रतिपक्षी के रूप में काम कर चुके हैं, उनको लंकेश नाम के साथ रावण की भूमिका के लिए साइन किया गया है। अनुष्का शेट्टी, अनुष्का शर्मा एंड कियारा हाडवाणी और कीर्ति सुरेश को सीता की भूमिका के लिए संपर्क जाने की अफवाह के बाद नवंबर 2020 में यह बताया गया कि कृति सेनन को भूमिका निभाने के लिए कास्ट किया गया है। 4 महीने बाद मार्च 2021 में निर्माताओं ने फिल्म में उनके शामिल होने की पुष्टि की। फरवरी 2021 को 21 में सेट पर शामिल हुए और सनी सिंह भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण की भूमिका निभा रहे हैं। तो बात करें मूवी की फिल्मिंग के बारे में। तो आदिपुरुष के लिए मोशन कैप्शन शूट 19 जनवरी 2021 को शुरू हुआ। मुहूर्त शॉट और औपचारिक लॉन्च 2 फरवरी 2021 को मुंबई भारत में किया गया था। जैसा कि निर्माताओं ने बताया, फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी उस दिन शुरू हुई थी। उसी दिन मुंबई में फिल्मांकन स्थल
पर एक भीषण आग दुर्घटना हुई थी। आग लगने की वजह से एक ही तरह से डुप्लीकेट सेट बनाए गए थे। अक्टूबर 2021 में सैफ अली खान और कृति सेनन ने शूटिंग पूरी की थी। नवंबर 2021 में प्रभास ने भी शूटिंग पूरी की थी। 10 नवंबर 2021 को फिल्म की पूरी शूटिंग पूरी हो गई थी। तो बात करें मूवी के थिएट्रिकल रिलीज के बारे में, तो आदिपुरुष 12 जनवरी 2023 को तमिल, मलयालम, कन्नड में डब की गई संस्करण के साथ हिंदी और तेलुगु में थिएटर्स के रूप में रिलीज होने वाली है। यह पहले 11 अगस्त 2022 को रिलीज़ होने वाली थी, लेकिन बाद में लाल सिंह चड्ढा की रिलीज़ के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। फिल्म का टीजर 2 अक्टूबर 2022 को गांधी जयंती के अवसर पर जारी किया गया था। तो बात करते हैं मूवी की मार्केटिंग के बारे में, तो हिंदी वितरण के बारे में, तो हिंदी संस्करण के वितरण अधिकार ए मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ए फिल्म्स द्वारा खरीदे गए थे। फिल्म का तेलुगु संस्करण यूवी क्रिएशंस द्वारा वितरित किया गया है। आदिपुरुष पहला आदमी मतलब एक अपकमिंग भारतीय हिंदू पौराणिक फिल्म है जो महाकाव्य रामायण पर आधारित है। यह फिल्म ओम राउत द्वारा निर्देशित और टी सीरीज फिल्म्स और रेस्टियोफाइल्स द्वारा निर्मित है। हिंदी और तेलुगु भाषाओं में एक साथ फिल्माई गई। फिल्म में प्रभास, राघव, कृति सेनन, जानकी और सैफ अली खान लंकेश के रूप में हैं। 500 करोड़ के बजट पर बनी आदिपुरुष अब तक की सबसे महंगी भारतीय फिल्म में से एक है। प्रिंसिपल फोटोग्राफी फरवरी 2021 में शुरू हुई और नवंबर 2021 में मुंबई में प्राथमिक शूटिंग के साथ समाप्त हुई। फिल्म को 12 जनवरी 2023 को मानक पुरुषों प्रारूप 3D और IMAX 3D में थिएटर्स के रूप में रिलीज किया जाना है। तो बात करते हैं मूवी के प्रीमियर के बारे में, तो 7000 साल पहले अयोध्या के राजा राघव अपनी पत्नी जानकी को बचाने के उद्देश्य हनुमान की सेना के की मदद से लंका द्वीप की यात्रा करते हैं, जिसे लंकेश द्वारा अपहरण कर लिया गया है। तो बात करें मूवी की कास्ट के बारे में, तो राघव के रूप में है प्रभास, जानकी के रूप में कृति सेनन एंड लंकेश के रूप में सैफ अली खान एंड लक्ष्मण के रूप में सनी सिंह और देवदत्त नाग हनुमान के रूप में और वत्सल सेठ है और सोनल चौहान है, तृप्ति तुराडमल है। तो बात करें मूवी की प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में, तो आदिपुरुष हिंदू महाकाव्य रामायण का एक रूपांतरण 18 अगस्त 2020 को एक प्रचार पोस्टर के माध्यम से घोषणा किया गया था। प्रभास ने ओम राउत के निर्देशन में भगवान राम की भूमिका निभाई है, जिन्होंने पहले पीरियड एक्शन फिल्म तानाजी 2020 का निर्देशन किया था। ओम राउत 1992 की जापानी फिल्म रामायण द लीजेंड ऑफ प्रिंस राम से प्रभावित थे और उन्होंने आधुनिक तकनीक का उपयोग करके महाकाव्य रामायण को एक फिल्म में बदलने के लिए प्रेरित किया गया था। भारत में कोविड-19 लॉकडाउन के बीच राउत ने पटकथा लिखी। प्रभास को तुरंत ही ये प्रोजेक्ट पसंद आ गया और प्रोडक्शन कंपनी ने टी सीरीज फिल्म्स इस प्रोजेक्ट के लिए तैयार हो गई थी। आदिपुरुष अब तक की सबसे महंगी भारतीय फिल्मों में से एक है, जिसका बजट 500 करोड़ है। दृश्य प्रभाव पर 200 मतलब VFX एंड CGI पर 250 करोड़ खर्च किए जाने का अनुमान है। इसे हिंदी और तेलुगु भाषाओं में एक साथ शूट किया गया है और इसे
3D में फिल्माया गया है। तो बात करें मूवी के कास्टिंग के बारे में, तो सितंबर 2020 में निर्माताओं ने खुलासा किया कि प्रभास भगवान राम का चित्रण कर रहे हैं, जिनके चरित्र का नाम बाद में राघव के रूप में सामने आया था। सैफ अली खान जो पहले से ही राउत की तानाजी में एक प्रतिपक्षी के रूप में काम कर चुके हैं, उनको लंकेश नाम के साथ रावण की भूमिका के लिए साइन किया गया है। अनुष्का शेट्टी, अनुष्का शर्मा एंड कियारा आडवाणी और कीर्ति सर सुरेश को सीता की भूमिका के लिए संपर्क जाने की अफवाह के बाद नवंबर 2020 में यह बताया गया कि कृति सेनन को भूमिका निभाने के लिए कास्ट किया गया है। 4 महीने बाद मार्च 2021 में निर्माताओं ने फिल्म में उनके शामिल होने की पुष्टि की। फरवरी 2021 को 21 में सेट पर शामिल हुए और सही सनी सिंह भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण की भूमिका निभा रहे हैं। तो बात करें मूवी की फिल्मिंग के बारे में, तो आदिपुरुष के लिए मोशन कैप्शन शूट 19 जनवरी 2021 को शुरू हुआ। मुहूर्त शॉट और औपचारिक लॉन्च 2 फरवरी 2021 को मुंबई भारत में किया गया था। जैसा कि निर्माताओं ने बताया, फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी उस दिन शुरू हुई थी। उसी दिन मुंबई में फिल्मांकन स्थल पर एक भीषण आग दुर्घटना हुई थी। आग लगने की वजह से एक ही तरह से डुप्लीकेट सेट बनाए गए थे। अक्टूबर 2021 में सैफ अली खान और कृति सेनन ने शूटिंग पूरी की थी। नवंबर 2021 में प्रभास ने भी शूटिंग पूरी की थी। 10 नवंबर 2021 को फिल्म की पूरी शूटिंग पूरी हो गई थी। तो बात करें मूवी के थिएट्रिकल रिलीज के बारे में, तो आदिपुरुष 12 जनवरी 2023 को तमिल मलयालम कन्नड़ में डब की गई संस्करण के साथ हिंदी और तेलुगु में थिएटर्स के रूप में रिलीज होने वाली है। यह पहले 11 अगस्त 2022 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन बाद में लाल सिंह चड्ढा की रिलीज के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। फिल्म का टीजर 2 अक्टूबर 2022 को गांधी जयंती के अवसर पर जारी किया गया था। तो बात करते हैं मूवी की मार्केटिंग के बारे में, तो हिंदी वितरण के बारे में, तो हिंदी संस्करण के वितरण अधिकार ए मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ए फिल्म्स द्वारा खरीदे गए थे। फिल्म का तेलुगु संस्करण यूवी क्रिएशंस द्वारा वितरित किया गया है। आदिपुरुष पहला आदमी मतलब एक अपकमिंग भारतीय हिंदू पौराणिक फिल्म है जो महाकाव्य रामायण पर आधारित है। यह फिल्म ओम राउत द्वारा निर्देशित और टी सीरीज फिल्म्स और फाइल्स द्वारा निर्मित है। हिंदी और तेलुगु भाषाओं में एक साथ फिल्माई गई। फिल्म में प्रभास राघव, कृति सेनन, जानकी और सैफ अली खान लंकेश के रूप में हैं। 500 करोड़ के बजट पर बनी आदिपुरुष अब तक की सबसे महंगी भारतीय फिल्म में से एक है। प्रिंसिपल फोटोग्राफी फरवरी 2021 में शुरू हुई और नवंबर 2021 में मुंबई में प्राथमिक शूटिंग के साथ समाप्त हुई। फिल्म को 12 जनवरी 2023 को मानक पुरुषों प्रारूप 3D और IMAX 3D में थिएटर्स के रूप में रिलीज किया जाना है। तो बात करते हैं मूवी के प्रीमियर के बारे में, तो 7000 साल पहले अयोध्या के राजा राघव अपनी पत्नी जानकी को बचाने के उद्देश्य हनुमान की सेना के की मदद से लंका द्वीप की यात्रा करते हैं, जिसे लंकेश द्वारा अपहरण कर लिया गया है। तो बात करें मूवी की कास्ट के बारे में, तो राघव के रूप में हैं प्रभास, जानकी के रूप में कृति सेनन एंड लंकेश के रूप में सैफ अली खान एंड लक्ष्मण के रूप में सनी सिंह और देवदत्त नाग
हनुमान के रूप में, और वत्सल सेठ हैं, और सोनल चौहान है, तृप्ति तुरम तुराडमल है। तो बात करें मूवी की प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में, तो आदिपुरुष हिंदू महाकाव्य रामायण का एक रूपांतरण 18 अगस्त 2020 को एक प्रचार पोस्टर के माध्यम से घोषणा किया गया था। प्रभास ने ओम राउत के निर्देशन में भगवान राम की भूमिका निभाई है, जिन्होंने पहले पीरियड एक्शन फिल्म तानाजी 2020 की 20 का निर्देशन किया था। ओम राउत 1992 की जापानी फिल्म रामायण द लीजेंड ऑफ प्रिंस राम से प्रभावित थे, और उन्होंने आधुनिक तकनीक का उपयोग करके महाकाव्य रामायण को एक फिल्म में बदलने के लिए प्रेरित किया गया था। भारत में कोविड-19 लॉकडाउन के बीच राउत ने पटकथा लिखी। प्रभास को तुरंत ही ये प्रोजेक्ट पसंद आ गया और प्रोडक्शन कंपनी ने टी सीरीज फिल्म्स इस प्रोजेक्ट के लिए तैयार हो गई थी। आदिपुरुष अब तक की सबसे महंगी भारतीय फिल्मों में से एक है, जिसका बजट 500 करोड़ है। दृश्य प्रभाव पर 200 मतलब VFX एंड CGI पर 250 करोड़ खर्च किए जाने का अनुमान है। इसे हिंदी और तेलुगु भाषाओं में एक साथ शूट किया गया है और इसे 3D में फिल्माया गया है। तो बात करें मूवी के कास्टिंग के बारे में, तो सितंबर 2020 में निर्माताओं ने खुलासा किया कि प्रभास भगवान राम का चित्रण कर रहे हैं, जिनके चरित्र का नाम बाद में राघव के रूप में सामने आया था। सैफ अली खान जो पहले से ही राउत की तानाजी में एक प्रतिपक्षी के रूप में काम कर चुके हैं, उनको लंकेश नाम के साथ रावण की भूमिका के लिए साइन किया गया है। अनुष्का शेट्टी, अनुष्का शर्मा एंड कियारा आडवाणी और कीर्ति सर सुरेश को सीता की भूमिका के लिए संपर्क जाने की अफवाह के बाद नवंबर 2020 में यह बताया गया कि कृति सेनन को भूमिका निभाने के लिए कास्ट किया गया है। 4 महीने बाद मार्च 2021 में निर्माताओं ने फिल्म में उनके शामिल होने की पुष्टि की। फरवरी 2021 को 21 में सेट पर शामिल हुए और सनी सिंह भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण की भूमिका निभा रहे हैं। तो बात करें मूवी की फिल्मिंग के बारे में, तो आदिपुरुष के लिए मोशन कैप्शन शूट 19 जनवरी 2021 को शुरू हुआ। मुहूर्त शॉट और औपचारिक लॉन्च 2 फरवरी 2021 को मुंबई भारत में किया गया था। जैसा कि निर्माताओं ने बताया, फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी उस दिन शुरू हुई थी। उसी दिन मुंबई में फिल्मांकन स्थल पर एक भीषण आग दुर्घटना हुई थी। आग लगने की वजह से एक ही तरह से डुप्लीकेट सेट बनाए गए थे। अक्टूबर 2021 में सैफ अली खान और कृति सेनन ने शूटिंग पूरी की थी। नवंबर 2021 में प्रभास ने भी शूटिंग पूरी की थी। 10 नवंबर 2021 को फिल्म की पूरी शूटिंग पूरी हो गई थी। तो बात करें मूवी के थिएट्रिकल रिलीज के बारे में, तो आदिपुरुष 12 जनवरी 2023 को तमिल मलयालम कन्नड़ में डब की गई संस्करण के साथ हिंदी और तेलुगु में थिएटर्स के रूप में रिलीज होने वाली है। यह पहले 11 अगस्त 2022 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन बाद में लाल सिंह चड्ढा की रिलीज के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। फिल्म का टीजर 2 अक्टूबर 2022 को गांधी जयंती के अवसर पर जारी किया गया था। तो बात करते हैं मूवी की मार्केटिंग के बारे में, तो हिंदी वितरण के बारे में, तो हिंदी संस्करण के वितरण अधिकार डिस्ट्रीब्यूशन ए फिल्म्स द्वारा खरीदे गए थे। फिल्म का तेलुगु संस्करण यूवी क्रिएशंस द्वारा वितरित किया गया है। आदिपुरुष पहला आदमी एक अपकमिंग भारतीय हिंदू पौराणिक फिल्म है, जो महाकाव्य रामायण पर आधारित है। यह फिल्म ओम राउत द्वारा निर्देशित और टी सीरीज फिल्म्स और
रिस्ट्रियोफाइल द्वारा निर्मित है। हिंदी और तेलुगु भाषाओं में एक साथ फिल्माई गई। फिल्म में प्रभास राघव, कृति सेनन, जानकी और सैफ अली खान लंकेश के रूप में हैं। 500 करोड़ के बजट पर बनी आदिपुरुष अब तक की सबसे महंगी भारतीय फिल्म में से एक है। प्रिंसिपल फोटोग्राफी फरवरी 2021 में शुरू हुई और नवंबर 2021 में मुंबई में प्राथमिक शूटिंग के साथ समाप्त हुई। फिल्म को 12 जनवरी 2023 को मानक पुरुषों प्रारूप 3D और IMAX 3D में थिएटर्स के रूप में रिलीज किया जाना है। तो बात करते हैं मूवी के प्रीमियर के बारे में। तो 7000 साल पहले अयोध्या के राजा राघव अपनी पत्नी जानकी को बचाने के उद्देश्य हनुमान की सेना के की मदद से लंका द्वीप की यात्रा करते हैं, जिसे लंकेश द्वारा अपहरण कर लिया गया है। तो बात करें मूवी की कास्ट के बारे में। तो राघव के रूप में हैं प्रभास, जानकी के रूप में कृति सेनन एंड लंकेश के रूप में सैफ अली खान एंड लक्ष्मण के रूप में सनी सिंह और देवदत्त नाग हनुमान के रूप में और वत्सल सेठ है और सोनल चौहान है, तृप्ति तुरामल है। तो बात करें मूवी की प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में। तो आदिपुरुष हिंदू महाकाव्य रामायण का एक रूपांतरण 18 अगस्त 2020 को एक प्रचार पोस्टर के माध्यम से घोषणा किया गया था। प्रभास ने ओम राउत के निर्देशन में भगवान राम की भूमिका निभाई है, जिन्होंने पहले पीरियड एक्शन फिल्म तन्नाजी 2020 का निर्देशन किया था। ओम राउत 1992 की जापानी फिल्म रामायण द लीजेंड ऑफ प्रिंस राम से प्रभावित थे और उन्होंने आधुनिक तकनीक का उपयोग करके महाकाव्य रामायण को एक फिल्म में बदलने के लिए प्रेरित किया गया था। भारत में कोविड-19 लॉकडाउन के बीच राउत ने पटकथा लिखी। प्रभास को तुरंत ही ये प्रोजेक्ट पसंद आ गया और प्रोडक्शन कंपनी ने टी सीरीज फिल्म्स इस प्रोजेक्ट के लिए तैयार हो गई थी। आदिपुरुष अब तक की सबसे महंगी भारतीय फिल्म में से एक है, जिसका बजट 500 करोड़ है। दृश्य प्रभाव पर 200 VFX एंड CGI पर 250 करोड़ खर्च किए जाने का अनुमान है। इसे हिंदी और तेलुगु भाषाओं में एक साथ शूट किया गया है और इसे 3D में फिल्माया गया है। तो बात करें मूवी के कास्टिंग के बारे में। तो सितंबर 2020 में निर्माताओं ने खुलासा किया कि प्रभास भगवान राम का चित्रण कर रहे हैं, जिनके चरित्र का नाम बाद में राघव के रूप में सामने आया था। सैफ अली खान जो पहले से ही राउत की तानाजी में एक प्रतिपक्षी के रूप में काम कर चुके हैं, उनको लंकेश नाम के साथ रावण की भूमिका के लिए साइन किया गया है। अनुष्का शेट्टी, अनुष्का शर्मा एंड कियारा हाडवानी और कीर्ति सुरेश को सीता की भूमिका के लिए संपर्क जाने की अफवाह के बाद नवंबर 2020 में यह बताया गया कि कृति सेनन को भूमिका निभाने के लिए कास्ट किया गया है। 4 महीने बाद मार्च 2021 में निर्माताओं ने फिल्म में उनके शामिल होने की पुष्टि की। फरवरी 2021 को 21 में सेट पर शामिल हुए और सनी सिंह भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण की भूमिका निभा रहे हैं। तो बात करें मूवी की फिल्मिंग के बारे में। तो आदिपुरुष के लिए मोशन कैप्शन शूट 19 जनवरी 2021 को शुरू हुआ। मुहूर्त शॉट और औपचारिक लॉन्च 2 फरवरी 2021 को मुंबई भारत में किया गया था। जैसा कि निर्माताओं ने बताया, फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी उस दिन शुरू हुई थी। उसी दिन मुंबई में फिल्मांकन स्थल पर एक भीषण
आग दुर्घटना हुई थी। आग लगने की वजह से एक ही तरह से डुप्लीकेट सेट बनाए गए थे। अक्टूबर 2021 में सैफ अली खान और कृति सेनन ने शूटिंग पूरी की थी। नवंबर 2021 में प्रभास ने भी शूटिंग पूरी की थी। 10 नवंबर 2021 को फिल्म की पूरी शूटिंग पूरी हो गई थी। तो बात करें मूवी के थिएट्रिकल रिलीज के बारे में, तो आदिपुरुष 12 जनवरी 2023 को तमिल, मलयालम, कन्नड में डब की गई संस्करण के साथ हिंदी और तेलुगु में थिएटर्स के रूप में रिलीज होने वाली है। यह आदिपुरुष पहला आदमी मतलब एक अपकमिंग भारतीय हिंदू पौराणिक फिल्म है जो महाकाव्य रामायण पर आधारित है। यह फिल्म ओम राउत द्वारा निर्देशित और टी सीरीज फिल्म्स और एशिया फाइल्स द्वारा निर्मित है। हिंदी और तेलुगु भाषाओं में एक साथ फिल्माई गई। फिल्म में प्रभास, राघव, कृति सेनन, जानकी और सैफ अली खान लंकेश के रूप में हैं। 500 करोड़ के बजट पर बनी आदिपुरुष अब तक की सबसे महंगी भारतीय फिल्म में से एक है। प्रिंसिपल फोटोग्राफी फरवरी 2021 में शुरू हुई और नवंबर 2021 में मुंबई में प्राथमिक शूटिंग के साथ समाप्त हुई। फिल्म को 12 जनवरी 2023 को मानक पुरुषों प्रारूप 3D और IMAX 3D में थिएटर्स के रूप में रिलीज किया जाना है। तो बात करते हैं मूवी के प्रीमियर के बारे में, तो 7000 साल पहले अयोध्या के राजा राघव अपनी पत्नी जानकी को बचाने के उद्देश्य हनुमान की सेना के की मदद से लंका द्वीप की यात्रा करते हैं, जिसे लंकेश द्वारा अपहरण कर लिया गया है। तो बात करें मूवी की कास्ट के बारे में, तो राघव के रूप में हैं प्रभास, जानकी के रूप में कृति सेनन एंड लंकेश के रूप में सैफ अली खान एंड लक्ष्मण के रूप में सनी सिंह और देवदत्त नाग, हनुमान के रूप में और वत्सल सेठ है और सोनल चौहान है, तृप्ति तुरामल है। तो बात करें मूवी की प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में, तो आदिपुरुष हिंदू महाकाव्य रामायण का एक रूपांतरण 18 अगस्त 2020 को एक प्रचार पोस्टर के माध्यम से घोषणा किया गया था। प्रभास ने ओम राउत के निर्देशन में भगवान राम की भूमिका निभाई है, जिन्होंने पहले पीरियड एक्शन फिल्म तानाजी 2020 का निर्देशन किया था। ओम राउत 1992 की जापानी फिल्म रामायण द लीजेंड ऑफ प्रिंस राम से प्रभावित थे और उन्होंने आधुनिक तकनीक का उपयोग करके महाकाव्य रामायण को एक फिल्म में बदलने के लिए प्रेरित किया गया था। भारत में कोविड-19 लॉकडाउन के बीच राउत ने पटकथा लिखी। प्रभास को तुरंत ही ये प्रोजेक्ट पसंद आ गया और प्रोडक्शन कंपनी ने टी सीरीज फिल्म्स इस प्रोजेक्ट के लिए तैयार हो गई थी। आदिपुरुष अब तक की सबसे महंगी भारतीय फिल्मों में से एक है, जिसका बजट 500 करोड़ है। दृश्य प्रभाव पर 200 मतलब VFX एंड CGI पर 250 करोड़ खर्च किए जाने का अनुमान है। इसे हिंदी और तेलुगु भाषाओं में एक साथ शूट किया गया है और इसे 3D में फिल्माया गया है। तो बात करें मूवी के कास्टिंग के बारे में, तो सितंबर 2020 में निर्माताओं ने खुलासा किया कि प्रभास भगवान राम का चित्रण कर रहे हैं, जिनके चरित्र का नाम बाद में राघव के रूप में सामने आया था। सैफ अली खान जो पहले से ही राउत की तानाजी में एक प्रतिपक्षी के रूप में काम कर चुके हैं, उनको लंकेश नाम के साथ रावण की भूमिका के लिए साइन किया गया है। अनुष्का शेट्टी, अनुष्का शर्मा एंड कियारा आडवाणी और कीर्ति सर सुरेश को सीता की भूमिका के लिए संपर्क जाने की
वफा के बाद नवंबर 2020 में यह बताया गया कि कृति सेनन को भूमिका निभाने के लिए कास्ट किया गया है। चार महीने बाद मार्च 2021 में निर्माताओं ने फिल्म में उनके शामिल होने की पुष्टि की। फरवरी 2021 को 21 में सेट पर शामिल हुए और सही सनी सिंह भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण की भूमिका निभा रहे हैं। तो बात करें मूवी की फिल्मिंग के बारे में, तो आदि पुरुष के लिए मोशन कैप्शन शूट 19 जनवरी 2021 को शुरू हुआ। मुहूर्त शॉट और औपचारिक लॉन्च 2 फरवरी 2021 को मुंबई भारत में किया गया था। जैसा कि निर्माताओं ने बताया, फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी उस दिन शुरू हुई थी। उसी दिन मुंबई में फिल्मांकन स्थल पर एक भीषण आग दुर्घटना हुई थी। आग लगने की वजह से एक ही तरह से डुप्लीकेट सेट बनाए गए थे। अक्टूबर 2021 में सैफ अली खान और कृति सेनन ने शूटिंग पूरी की थी। नवंबर 2021 में प्रभास ने भी शूटिंग पूरी की थी। 10 नवंबर 2021 को फिल्म की पूरी शूटिंग पूरी हो गई थी। तो बात करें मूवी के थिएट्रिकल रिलीज के बारे में, तो आदि पुरुष 12 जनवरी 2023 को तमिल मलयालम कन्नड़ में डब की गई संस्करण के साथ हिंदी और तेलुगु में थिएटर्स के रूप में रिलीज होने वाली है। यह पहले 11 अगस्त 2022 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन बाद में लाल सिंह चड्ढा की रिलीज के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। फिल्म का टीजर 2 अक्टूबर 2022 को गांधी जयंती के अवसर पर जारी किया गया था। तो बात करते हैं मूवी की मार्केटिंग के बारे में, तो हिंदी वितरण के बारे में, तो हिंदी संस्करण के वितरण अधिकार ए मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ए फिल्म्स द्वारा खरीदे गए थे। फिल्म का तेलुगु संस्करण यूवी क्रिएशंस द्वारा वितरित किया गया है। आदि पुरुष पहला आदमी मतलब एक अपकमिंग भारतीय हिंदू पौराणिक फिल्म है जो महाकाव्य रामायण पर आधारित है। यह फिल्म ओम राउत द्वारा निर्देशित और टी सीरीज फिल्म्स और रिश्वफाइल्स द्वारा निर्मित है। हिंदी और तेलुगु भाषाओं में एक साथ फिल्माई गई। फिल्म में प्रभास राघव, कृति सेनन, जानकी और सैफ अली खान लंकेश के रूप में हैं। 500 करोड़ के बजट पर बनी आदि पुरुष अब तक की सबसे महंगी भारतीय फिल्म में से एक है। प्रिंसिपल फोटोग्राफी फरवरी 2021 में शुरू हुई और नवंबर 2021 में मुंबई में प्राथमिक शूटिंग के साथ समाप्त हुई। फिल्म को 12 जनवरी 2023 को मानक पुरुषों प्रारूप 3D और IMAX 3D में थिएटर्स के रूप में रिलीज किया जाना है। तो बात करते हैं मूवी के प्रीमियर के बारे में, तो 7000 साल पहले अयोध्या के राजा राघव अपनी पत्नी जानकी को बचाने के उद्देश्य हनुमान की सेना के की मदद से लंका द्वीप की यात्रा करते हैं, जिसे लंकेश द्वारा अपहरण कर लिया गया है। तो बात करें मूवी की कास्ट के बारे में, तो राघव के रूप में हैं प्रभास, जानकी के रूप में कृति सेनन एंड लंकेश के रूप में सैफ अली खान एंड लक्ष्मण के रूप में सनी सिंह और देवदत्त नाग हनुमान के रूप में और वत्सल सेठ है और सोनल चौहान है, तृप्ति तुरामल है। तो बात करें मूवी की प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में, तो आदिपुरुष हिंदू महाकाव्य रामायण का एक रूपांतरण 18 अगस्त 2020 को एक प्रचार पोस्टर के माध्यम से घोषणा किया गया था। प्रभास ने ओम राउत के निर्देशन में भगवान राम की भूमिका निभाई है, जिन्होंने पहले पीरियड एक्शन फिल्म तानाजी 2020 की 20 का निर्देशन किया था। ओम राउत 1992 की जापानी फिल्म रामायण द लीजेंड ऑफ प्रिंस राम
धर्म से प्रभावित थी और उन्होंने आधुनिक तकनीक का उपयोग करके महाकाव्य रामायण को एक फिल्म में बदलने के लिए प्रेरित किया गया था। भारत में कोविड 19 लॉकडाउन के बीच राउत ने पटकथा लिखी। प्रभास को तुरंत ही ये प्रोजेक्ट पसंद आ गया और प्रोडक्शन कंपनी ने टी सीरीज फिल्म्स इस प्रोजेक्ट के लिए तैयार हो गई थी। आदिपुरुष अब तक की सबसे महंगी भारतीय फिल्मों में से एक है जिसका बजट 500 करोड़ है। दृश्य प्रभाव पर 200 मतलब VFX एंड CGI पर 250 करोड़ खर्च किए जाने का अनुमान है। इसे हिंदी और तेलुगु भाषाओं में एक साथ शूट किया गया है और इसे 3D में फिल्माया गया है। तो बात करें मूवी के कास्टिंग के बारे में तो सितंबर 2020 में निर्माताओं ने खुलासा किया कि प्रभास भगवान राम का चित्रण कर रहे हैं जिनके चरित्र का नाम बाद में राघव के रूप में सामने आया था। सैफ अली खान जो पहले से ही राउत की तानाजी में एक प्रतिपक्षी के रूप में काम कर चुके हैं उनको लंकेश नाम के साथ रावण की भूमिका के लिए साइन किया गया है। अनुष्का शेट्टी अनुष्का शर्मा एंड कियारा आडवाणी और कीर्ति सर सुरेश को सीता की भूमिका के लिए संपर्क जाने की अफवाह के बाद नवंबर 2020 में यह बताया गया कि कृति सेनन को भूमिका निभाने के लिए कास्ट किया गया है। 4 महीने बाद मार्च 2021 में निर्माताओं ने फिल्म में उनके शामिल होने की पुष्टि की। फरवरी 2021 को 21 में सेट पर शामिल हुए और सनी सिंह भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण की भूमिका निभा रहे हैं। तो बात करें मूवी की फिल्मिंग के बारे में तो आदिपुरुष के लिए मोशन कैप्शन शूट 19 जनवरी 2021 को शुरू हुआ। मुहूर्त शॉट और औपचारिक लॉन्च 2 फरवरी 2021 को मुंबई भारत में किया गया था। जैसा कि निर्माताओं ने बताया फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी उस दिन शुरू हुई थी। उसी दिन मुंबई में फिल्मांकन स्थल पर एक भीषण आग दुर्घटना हुई थी। आग लगने की वजह से एक ही तरह से डुप्लीकेट सेट बनाए गए थे। अक्टूबर 2021 में सैफ अली खान और कृति सेनन ने शूटिंग पूरी की थी। नवंबर 2021 में प्रभास ने भी शूटिंग पूरी की थी। 10 नवंबर 2021 को फिल्म की पूरी शूटिंग पूरी हो गई थी। तो बात करें मूवी के थिएट्रिकल रिलीज के बारे में तो आदिपुरुष 12 जनवरी 2023 को तमिल मलयालम कन्नड़ में डब की गई संस्करण के साथ हिंदी और तेलुगु में थिएटर्स के रूप में रिलीज होने वाली है। यह पहले 11 अगस्त 2022 को रिलीज होने वाली थी लेकिन बाद में लाल सिंह चड्ढा की रिलीज के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। फिल्म का टीजर 2 अक्टूबर 2022 को गांधी जयंती के अवसर पर जारी किया गया था। तो बात करते हैं मूवी की मार्केटिंग के बारे में तो हिंदी वितरण के बारे में तो हिंदी संस्करण के वितरण अधिकार डिस्ट्रीब्यूशन ए फिल्म्स द्वारा खरीदे गए थे। फिल्म का तेलुगु संस्करण यूवी क्रिएशंस द्वारा वितरित किया गया है। आदिपुरुष पहला आदमी एक अपकमिंग भारतीय हिंदू पौराणिक फिल्म है जो महाकाव्य रामायण पर आधारित है। यह फिल्म ओम राउत द्वारा निर्देशित और टी सीरीज फिल्म्स और रेस्ट्रियो फाइल्स द्वारा निर्मित है। हिंदी और तेलुगु भाषाओं में एक साथ फिल्माई गई। फिल्म में प्रभास राघव कृति सेनन जानकी और सैफ अली खान लंकेश के रूप में हैं। 500 करोड़ के बजट पर बनी आदिपुरुष अब तक की सबसे महंगी भारतीय फिल्म में से एक है। प्रिंसिपल फोटोग्राफी फरवरी 2021 में शुरू हुई और नवंबर 2021 में मुंबई में प्राथमिक शूटिंग के साथ समाप्त हुई। फिल्म को 12 जनवरी 2023 को मानक पुरुषों
प्रारूप 3D और IMAX 3D में थिएटर्स के रूप में रिलीज किया जाना है। तो बात करते हैं मूवी के प्रीमियर के बारे में। तो 7000 साल पहले अयोध्या के राजा राघव अपनी पत्नी जानकी को बचाने के उद्देश्य हनुमान की सेना के की मदद से लंका द्वीप की यात्रा करते हैं, जिसे लंकेश द्वारा अपहरण कर लिया गया है। तो बात करें मूवी की कास्ट के बारे में। तो राघव के रूप में हैं प्रभास, जानकी के रूप में कृति सेनन, एंड लंकेश के रूप में सैफ अली खान, एंड लक्ष्मण के रूप में सनी सिंह, और देवदत्त नाग हनुमान के रूप में, और वत्सल सेठ है, और सोनल चौहान है, तृप्ति तुराडमल है। तो बात करें मूवी की प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में। तो आदिपुरुष हिंदू महाकाव्य रामायण का एक रूपांतरण 18 अगस्त 2020 को एक प्रचार पोस्टर के माध्यम से घोषणा किया गया था। प्रभास ने ओम राउत के निर्देशन में भगवान राम की भूमिका निभाई है, जिन्होंने पहले पीरियड एक्शन फिल्म तानाजी 2020 का निर्देशन किया था। ओम राउत 1992 की जापानी फिल्म रामायण द लीजेंड ऑफ प्रिंस राम से प्रभावित थे, और उन्हें आधुनिक तकनीक का उपयोग करके महाकाव्य रामायण को एक फिल्म में बदलने के लिए प्रेरित किया गया था। भारत में कोविड-19 लॉकडाउन के बीच राउत ने पटकथा लिखी। प्रभास को तुरंत ही ये प्रोजेक्ट पसंद आ गया और प्रोडक्शन कंपनी ने टी सीरीज फिल्म्स इस प्रोजेक्ट के लिए तैयार हो गई थी। आदिपुरुष अब तक की सबसे महंगी भारतीय फिल्मों में से एक है, जिसका बजट 500 करोड़ है। दृश्य प्रभाव पर 200 VFX एंड CGI पर 250 करोड़ खर्च किए जाने का अनुमान है। इसे हिंदी और तेलुगु भाषाओं में एक साथ शूट किया गया है और इसे 3D में फिल्माया गया है। तो बात करें मूवी के कास्टिंग के बारे में। तो सितंबर 2020 में निर्माताओं ने खुलासा किया कि प्रभास भगवान राम का चित्रण कर रहे हैं, जिनके चरित्र का नाम बाद में राघव के रूप में सामने आया था। सैफ अली खान, जो पहले से ही राउत की तानाजी में एक प्रतिपक्षी के रूप में काम कर चुके हैं, उनको लंकेश नाम के साथ रावण की भूमिका के लिए साइन किया गया है। अनुष्का शेट्टी, अनुष्का शर्मा एंड कियारा हाडवाणी और कीर्ति सुरेश को सीता की भूमिका के लिए संपर्क जाने की अफवाह के बाद नवंबर 2020 में यह बताया गया कि कृति सेनन को भूमिका निभाने के लिए कास्ट किया गया है। 4 महीने बाद मार्च 2021 में निर्माताओं ने फिल्म में उनके शामिल होने की पुष्टि की। फरवरी 2021 को 21 में सेट पर शामिल हुए और सनी सिंह भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण की भूमिका निभा रहे हैं। तो बात करें मूवी की फिल्मिंग के बारे में। तो आदिपुरुष के लिए मोशन कैप्शन शूट 19 जनवरी 2021 को शुरू हुआ। मुहूर्त शॉट और औपचारिक लॉन्च 2 फरवरी 2021 को मुंबई भारत में किया गया था। जैसा कि निर्माताओं ने बताया, फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी उस दिन शुरू हुई थी। उसी दिन मुंबई में फिल्मांकन स्थल पर एक भीषण आग दुर्घटना हुई थी। आग लगने की वजह से एक ही तरह से डुप्लीकेट सेट बनाए गए थे। अक्टूबर 2021 में सैफ अली खान और कृति सेनन ने शूटिंग पूरी की थी। नवंबर 2021 में प्रभास ने भी शूटिंग पूरी की थी। 10 नवंबर 2021 को फिल्म की पूरी शूटिंग पूरी हो गई थी। तो बात करें मूवी के थिएटर रिलीज के बारे में। तो आदिपुरुष 12 जनवरी 2023 को तमिल, मलयालम, कन्नड़ में डब की गई संस्करण के साथ हिंदी और तेलुगु में थिएटर्स के रूप में रिलीज होने वाली है। यह पहले 11 अगस्त 2022 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन बाद में लाल सिंह चड्ढा की
रिलीज के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। फिल्म का टीजर 2 अक्टूबर 2022 को गांधी जयंती के अवसर पर जारी किया गया था। तो बात करते हैं मूवी की मार्केटिंग के बारे में। तो हिंदी संस्करण वितरण के बारे में, तो हिंदी संस्करण के वितरण अधिकार ए मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ए फिल्म्स द्वारा खरीदे गए थे। फिल्म का तेलुगु संस्करण यूवी क्रिएशंस द्वारा वितरित किया गया था। आदिपुरुष पहला आदमी मतलब एक अपकमिंग भारतीय हिंदू पौराणिक फिल्म है जो महाकाव्य रामायण पर आधारित है। यह फिल्म ओम राउत द्वारा निर्देशित और टी सीरीज फिल्म्स और रेशियो फाइल्स द्वारा निर्मित है। हिंदी और तेलुगु भाषाओं में एक साथ फिल्माई गई। फिल्म में प्रभास राघव, कृति सेनन, जानकी और सैफ अली खान लंकेश के रूप में हैं। 500 करोड़ के बजट पर बनी आदिपुरुष अब तक की सबसे महंगी भारतीय फिल्म में से एक है। प्रिंसिपल फोटोग्राफी फरवरी 2021 में शुरू हुई और नवंबर 2021 में मुंबई में प्राथमिक शूटिंग के साथ समाप्त हुई। फिल्म को 12 जनवरी 2023 को मानक पुरुषों प्रारूप 3D और IMAX 3D में थिएटर्स के रूप में रिलीज किया जाना है। तो बात करते हैं मूवी के प्रीमियर के बारे में। तो 7000 साल पहले अयोध्या के राजा राघव अपनी पत्नी जानकी को बचाने के उद्देश्य हनुमान की सेना के की मदद से लंका द्वीप की यात्रा करते हैं, जिसे लंकेश द्वारा अपहरण कर लिया गया है। तो बात करें मूवी की कास्ट के बारे में। तो राघव के रूप में हैं प्रभास, जानकी के रूप में कृति सेनन एंड लंकेश के रूप में सैफ अली खान एंड लक्ष्मण के रूप में सनी सिंह और देवदत्त नाग हनुमान के रूप में और वत्सल सेठ है और सोनल चौहान है, तृप्ति तुराडमल है। तो बात करें मूवी की प्रोडक्शन डेवलपमेंट के बारे में। तो आदिपुरुष हिंदू महाकाव्य रामायण का एक रूपांतरण 18 अगस्त 2020 को एक प्रचार पोस्टर के माध्यम से घोषणा किया गया था। प्रभास ने ओम राउत के निर्देशन में भगवान राम की भूमिका निभाई है, जिन्होंने पहले पीरियड एक्शन फिल्म तानाजी 2020 का निर्देशन किया था। ओम राउत 1992 की जापानी फिल्म रामायण द लीजेंड ऑफ प्रिंस राम से प्रभावित थे और उन्होंने आधुनिक तकनीक का उपयोग करके महाकाव्य रामायण को एक फिल्म में बदलने के लिए प्रेरित किया गया था। भारत में कोविड-19 लॉकडाउन के बीच राउत ने पटकथा लिखी। प्रभास को तुरंत ही ये प्रोजेक्ट पसंद आ गया और प्रोडक्शन कंपनी ने टी सीरीज फिल्म्स इस प्रोजेक्ट के लिए तैयार हो गई थी। आदिपुरुष अब तक की सबसे महंगी भारतीय फिल्मों में से एक है, जिसका बजट 500 करोड़ है। दृश्य प्रभाव पर 200 मतलब VFX एंड CGI पर 250 करोड़ खर्च किए जाने का अनुमान है। इसे हिंदी और तेलुगु भाषाओं में एक साथ शूट किया गया है और इसे 3D में फिल्माया गया है। तो बात करें मूवी के कास्टिंग के बारे में। तो सितंबर 2020 में निर्माताओं ने खुलासा किया कि प्रभास भगवान राम का चित्रण कर रहे हैं, जिनके चरित्र का नाम बाद में राघव के रूप में सामने आया था। सैफ अली खान जो पहले से ही राउत की तानाजी में एक प्रतिपक्षी के रूप में काम कर चुके हैं, उनको लंकेश नाम के साथ रावण की भूमिका के लिए साइन किया गया है। अनुष्का शेट्टी, अनुष्का शर्मा एंड कियारा आडवाणी और कीर्ति सुरेश को सीता की भूमिका के लिए संपर्क जाने की अफवाह के बाद नवंबर 2020 में यह बताया गया कि कृति सेनन को
भूमिका निभाने के लिए कास्ट किया गया है। 4 महीने बाद मार्च 2021 में निर्माताओं ने फिल्म में उनके शामिल होने की पुष्टि की। फरवरी 2021 को 21 में सेट पर शामिल हुए और सही सनी सिंह भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण की भूमिका निभा रहे हैं। तो बात करें मूवी की फिल्मिंग के बारे में, तो आदिपुरुष के लिए मोशन कैप्शन शूट 19 जनवरी 2021 को शुरू हुआ। मुहूर्त शॉट और औपचारिक लॉन्च 2 फरवरी 2021 को मुंबई भारत में किया गया था। जैसा कि निर्माताओं ने बताया, फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी उस दिन शुरू हुई थी। उसी दिन मुंबई में फिल्मांकन स्थल पर एक भीषण आग दुर्घटना हुई थी। आग लगने की वजह से एक ही तरह से डुप्लीकेट सेट बनाए गए थे। अक्टूबर 2021 में सैफ अली खान और कृति सेनन ने शूटिंग पूरी की थी। नवंबर 2021 में प्रभास ने भी शूटिंग पूरी की थी। 10 नवंबर 2021 को फिल्म की पूरी शूटिंग पूरी हो गई थी। तो बात करें मूवी के थिएट्रिकल रिलीज के बारे में, तो आदिपुरुष 12 जनवरी 2023 को तमिल मलयालम कन्नड़ में डब की गई संस्करण के साथ हिंदी और तेलुगु में थिएटर्स के रूप में रिलीज होने वाली है। यह पहले 11 अगस्त 2022 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन बाद में लाल सिंह चड्ढा की रिलीज के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। फिल्म का टीजर 2 अक्टूबर 2022 को गांधी जयंती के अवसर पर जारी किया गया था। तो बात करते हैं मूवी की मार्केटिंग के बारे में, तो हिंदी वितरण के बारे में, तो हिंदी संस्करण के वितरण अधिकार ए मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ए फिल्म्स द्वारा खरीदे गए थे। फिल्म का तेलुगु संस्करण यूवी क्रिएशंस द्वारा वितरित किया गया है। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो आपको कैसे लगा? वीडियो अगर पसंद आया तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।